चलिए, फर्स्ट ग्रुप में ग्रुप फर्स्ट में एक पेपर है, पेपर नंबर 4। कॉपी ओपी लेके आए हो आप लोग? अभी उसमें नोट कर लो, फिर मैं बताऊंगा कौन सी कॉपी कैसे परचेज करनी है। पेपर 4, टैक्सेशन। आई अश्योर यू, एक हफ्ते के बाद ही आपका फेवरेट पेपर होगा, ठीक है? टैक्सेशन, पेपर नंबर 4। कोई बच्चा बोला सर आपको 4 नंबर पेपर दे दिया इन लोगों ने। पहला तो अकाउंट्स का होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके बाद फिर आई थिंक लॉ का होता है, फिर कॉस्टिंग का। नहीं, इंस्टीट्यूट ने जो पेपर का पैटर्न सेट किया है ना, वो इस तरीके से सेट किया है कि पहले अकाउंटिंग पढ़ लें, लीगल, थोड़ा लीगल प्रोविजंस पढ़ लें, फिर कॉस्टिंग कर लें, उसके बाद सामान बेचोगे तो टैक्स की बात आएगी ना। तो इंस्टीट्यूट ने इस तरीके से पेपर सेट किया है, पेपर नंबर 4। अच्छा, कुछ बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे, तुम लोगों के पर्सनली भी आए थे कि नया सिलेबस तुम लोगों, अरे कहां है नया सिलेबस? कहीं है ही नहीं, वो तो पब्लिक डोमेन में एक सिलेबस आ गया जो अभी इंस्टीट्यूट के अंडर कंसिडरेशन है। इंस्टीट्यूट ने अभी कोई सिलेबस या कौन से अटेम्प्ट से वो सिलेबस फाइनलाइज होगा क्लियर नहीं किया है। इतना जरूर हम लोगों ने इंटरनल सोर्स से क्लियर कर लिया है कि मई 2023 में आपका ओल्ड ही चलेगा। ओल्ड मत बोलो इसको, नया अभी आया ही नहीं है। तो प्रेजेंट सिलेबस आपका यही है, ठीक है ना? प्रेजेंट यही है मई 2023 के अंदर। अच्छा, ऐसा भी नहीं होता, जैसे कोई बच्चा ये सोचता है कि अगर मान लो किसी वजह से हमारा मई 2023 में नहीं हुआ तो हमें तो फालतू में नवंबर में नए सिलेबस में जाना होगा, ऐसा नहीं होता है। इंस्टीट्यूट पुराने सिलेबस को कुछ टाइम तक कंटिन्यू करता है जब तक बच्चे उसमें रहना चाहें। तो इन सब चीजों में ना आपको दिमाग ही नहीं लगाना, आप तो हमारे घोड़े हो, दौड़ो। आपके लिए क्या प्लानिंग करनी है, आपने टॉपर्स इंस्टीट्यूट को चुन लिया है, आपको सब काम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? आपको तो सिर्फ जो कहा जाए वो फोकस करके पढ़ाई करते रहो, ठीक? तो सिलेबस ओल्ड न्यू ये सब बेकार की बातें हैं। आपके सामने 8 पेपर हैं, 100-100 नंबर के पेपर हैं। जिंदगी में आपने आज से पहले भी 100-100 नंबर के पेपर दिए होंगे, वैसा ही पेपर है। जितने लोगों से पूछोगे उतना ही कंफ्यूजन होगा, जिसको करना होता है वो पूछता नहीं, वो करता है। देखिए, पेपर नंबर 4 में सीए इंस्टीट्यूट ने कहा कि देखो ये बच्चे ना इंटर के बाद आर्टिकलशिप करने आते हैं। सुना है ना आपने आर्टिकलशिप? कितने बच्चों के 12th में 90 प्लस मार्क्स थे? कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा था, नहीं मिला? रेगुलर कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला? मिला था, क्यों नहीं लिया आपने फिर? अच्छा, आजकल तो वो एंट्रेंस वेंट्रेंस कर दिया है। अगर बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं सीए में जिनको एसआरसीसी, हंसराज कॉलेज, हिंदू कॉलेज में एडमिशन मिलता है, लेकिन वो सीए के लिए अपना कॉलेज छोड़ देते हैं, क्योंकि आगे जाके ना आपको दिक्कत होती है आर्टिकलशिप में, आप दोनों कोर्स एक साथ कंटिन्यू नहीं कर सकते हो। तो अगर आप लोग 90% लेके अपने कॉलेज लाइफ को सेक्रीफाइस कर रहे हो तो उसको, उस सेक्रीफाइस को गेन में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास सिर्फ एक रास्ता है, आर्टिकलशिप फ्रॉम बिग 4, नथिंग एल्स। उसके अलावा कुछ है ही नहीं। मतलब एक मन में रह जाता है ना यार, कॉलेज लाइफ जाते, वहां जाते, ये करते, चलो छोड़ दिया हमने सीए के लिए। लेकिन याद रखिए, छोड़ना, हमने क्या छोड़ दिया इंपॉर्टेंट नहीं है, उस छोड़ने के बदले में क्या पा लिया ये इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकलशिप अच्छी फॉर्म से हो जाए तो आपके सारे वो गीले शिकवे दूर हो जाते हैं, और उसका रास्ता कहां से जाएगा? यहां से जाएगा, सीए इंटर से जाएगा। तो इंस्टीट्यूट ये कहता है कि जब ये बच्चे इंटर पास करके आर्टिकलशिप में जाते हैं और वहां पे ऑडिट का काम शुरू करते हैं, टैक्स का काम शुरू करते हैं, तो इनको बेसिक नॉलेज तो टैक्स का होना चाहिए। अब मान लीजिए आप हल्दीराम के ऑडिट पर चले गए और उसके इनवाइस के ऊपर जीएसटी लगा हुआ है, उसमें सीजीएसटी लिखा हुआ है, अब आपको समझ में तो आना चाहिए कि टैक्स है क्या। आप मान लीजिए किसी इंडिविजुअल क्लाइंट के पास चले गए, आप कैटरीना कैफ का मान लो टैक्स निकालते हो, तो कैटरीना कैफ की टोटल इनकम कैसे कंप्यूट होगी, इतना तो आपको पता होना चाहिए। तो इंस्टीट्यूट आपसे चाहता है कि जब आप आर्टिकलशिप करने जाएं, जब आप ट्रेनिंग करने जाएं, तो आपको एक वर्किंग नॉलेज टैक्स की हो, एक्सपर्टाइज नॉलेज नहीं। एक्सपर्टाइज तो हम जिंदगी में अभी पढ़ते रहेंगे, जब तक मरेंगे तब तक पढ़ते रहेंगे।
बट यहां से कुछ वर्किंग नॉलेज लेके हमें आगे जाना है, तो हमारा जो सिलेबस है सीए इंटर में टैक्स में, उन्होंने हमसे कहा है कि आप इन बच्चों को इनकम टैक्स पढ़ाओ, और बाय नेचर इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स से डिस्कस करेंगे हम लोग, डायरेक्ट टैक्स। ये आपके सिलेबस में 60 मार्क्स का है, 60 मार्क्स का है। पेपर कितने मार्क्स का होगा? मतलब देखो, आप कितना भी अच्छा पढ़ लो, मैं कितना भी अच्छा पढ़ा दूं, सॉरी आप 100 नंबर से ज्यादा लेके नहीं आ सकते, सॉरी एक्सपेक्टेशन कैन नॉट बी इलीगल, 100 से ऊपर नहीं आ सकते। लेकिन हां, इंस्टीट्यूट कह रहा है हैसियत है तो 100 लेके जाओ। तो हमारे 80 आए हैं ये हमारे कर्म है, हमारे 90 आए हैं ये हमारे कर्म है, इंस्टीट्यूट कितना देने के लिए बैठा है 100। लेकिन कोई ये बोले हम 120 लाए हैं, तो फिर पूछते हम लोग सारे पेपर में मिला के क्या, एक में तो हो नहीं सकते 100 से ऊपर, ठीक है। तो 100 नंबर का जो पेपर है उसमें हम लोग इनकम टैक्स पढ़ेंगे 60 मार्क्स में। और एक बहुत छोटा सा आप लोगों के लिए छोटा सा पोर्शन है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, दैट इज जीएसटी, 40 मार्क्स का, 40 मार्क्स का। तो ग्रुप फर्स्ट में एक पेपर मेरे पास है टैक्स का, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, और ये आपके फर्स्ट ग्रुप का सबसे लेंदी पेपर है, इसीलिए हम लोगों ने प्लान किया है कि इस बार इसको रेगुलर चलाया जाए। होता क्या था ना, अल्टरनेट कराओ 15 क्लास के बाद, फिर हम लोगों को रिजल्ट के बाद नया बैच शुरू करना होता था, तो सही से कंपाइल नहीं हो पाता था। अब उन बच्चों का कुछ स्टार्टिंग का रह गया, उनको फिर बाद में कराओ तो कंफर्ट नहीं आता था। रेगुलर करने से क्या होगा ना कि जीएसटी खत्म करने के लिए मुझे मैक्सिमम, अगर आप मुझे 2 घंटे की क्लास दे रहे हो, 2 घंटे क्या 2-2.5 घंटे कोई दिक्कत नहीं है, जब तक तुम ये ना कह दो बस, तो मैक्सिमम मुझे इसको पैकअप करने के लिए 32 क्लासेस चाहिए, 32-35 क्लासेस मैक्सिमम। तो ये मैं रिजल्ट आने तक पैक कर दूंगा, मतलब आपका 40 नंबर का सिलेबस पैक, और जब उसके बाद रिजल्ट आएगा तो हम लोग इनकम टैक्स शुरू कर लेंगे, ये आइडिया है। अब आप कहोगे सर 40 दिन मिल रहा था तो 32 दिन तो बाकी 8 दिन छुट्टी करोगे? नहीं, उसमें मैं आप लोगों को थोड़ा सा टैक्स कैलकुलेशन सिखाऊंगा इनकम टैक्स का, जिससे कि आपका हाथ थोड़ा स्पीड अप हो जाए, क्योंकि जीएसटी जो है ना लीगल प्रोविजन ज्यादा है, प्रैक्टिकल कैलकुलेशन कम है, और इनकम टैक्स में प्रैक्टिकल कैलकुलेशन ज्यादा है, तो बच्चों को इंटरेस्ट ज्यादा इनकम टैक्स में आता है। तो हम लोग थोड़ा सा उस इंटरेस्ट को बरकरार रखते हुए जीएसटी उठाएंगे और फिर पैक कर देंगे। तो 40 मार्क्स का जीएसटी और 60 मार्क्स का इनकम टैक्स। टॉपर्स इंस्टीट्यूट आपको इनकम टैक्स के लिए 2 वॉल्यूम की किताबें देगा। अभी आपको जीएसटी मिला होगा ना, क्योंकि इनकम टैक्स तो अभी अंडर कंपाइलेशन है, क्योंकि आपको पता होगा कि फिनांस एक्ट चेंज हो जाता है हर साल, तो आपकी किताबें भी चेंज हो जाती हैं। तो आपको टॉपर्स इंस्टीट्यूट इनकम टैक्स के 2 वॉल्यूम की किताब देगा, वॉल्यूम फर्स्ट एंड वॉल्यूम सेकंड। मतलब आपको मार्केट से कुछ भी परचेज करने की जरूरत नहीं है, वॉल्यूम 2, ज्यादा नहीं, दोनों मिला के 700-750 पेज की किताबें होंगी। भाई सीए लेंदी है, टफ नहीं है, दोनों में फर्क है, सीए लेंदी है, टफ नहीं। अच्छा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है ना, तो इसमें 50% तो आपके क्वेश्चन बैंक्स होंगे, 50-60% क्वेश्चन बैंक है इसके अंदर, प्रोविजंस कम होंगे। और बताइए, डर उसको लगता है जो कम पढ़ के जाता है, अगर हमारा करिकुलम बहुत ज्यादा है तो हमारा फ्यूचर सेफ है। रिस्क इस बात का नहीं होना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं वो आसान है, रिस्क इस बात का होना चाहिए कि करियर मैंने कोई इजी तो नहीं चुन लिया, अगर ये टफ है तो फिर हमारा करियर बिल्कुल सही है। रिस्क इस बात का है कि कहीं हमने अपने कैपेबिलिटी से कोई इजी कोर्स तो नहीं चुन लिया। अगर कोई कहता है सीए टफ है तो बहुत अच्छी बात है, मतलब हमने सही कोर्स चुना है। तो लेंदी है, ऑब्वियसली लेंदी है, तभी तो 4 दिन के बाद हम लोग शुरू करा रहे हैं, टफ नहीं है, ठीक। वैसे ही जीएसटी की आपको एक बुक दी गई होगी, जीएसटी का सिर्फ सिंगल वॉल्यूम होगा, एक वॉल्यूम है बस, साथ में एक एमसीक्यू का बुक हम लोग बाद में देते हैं, क्योंकि टैक्स में फर्स्ट ग्रुप में टैक्स और लॉ में 30% क्वेश्चन एमसीक्यू बेस होता है,
और थोड़े खुश हो जाओ तुम लोग, थोड़े थोड़े मतलब इतने टेंशन में क्यों बैठे हो तुम लोग, खुश हो जाओ थोड़े से। यहां पे निगेटिव मार्किंग नहीं है, आपका इंटर फाउंडेशन से आसान है। आपका इंटर, अभी मत सोचना कि मोटिवेट करने के लिए बोल रहे, नहीं मुझे आता नहीं वो, मैं फैक्ट बता रहा हूं, आपका इंटर फाउंडेशन से आसान है। बस यहां पे दुनियादारी मत खेलना। आप तब तक पास होते चलते आ रहे थे जब आप क्लास में स्टूडेंट बन के आए, जब आप किसी और को पढ़ाने लग गए ना बैठ के यहां पे, तो समस्या हो गई। बस वो मत करना। तो यहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यहां पे बिल्कुल आपका एमसीक्यू अगर सही है तो सही, नहीं तो मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं करेंगे हम लोग। तो फर्स्ट ग्रुप के दो पेपर में, एक लॉ में और दूसरा टैक्स में, 30% एमसीक्यू बेस होता है, तो उसके लिए एक अलग से बुक आपको दी जाएगी। मतलब टॉपर्स इंस्टीट्यूट इन टोटेलिटी आपको 4 किताबें देगा। सीए इंस्टीट्यूट, बेटा बातचीत नहीं, प्लीज बातचीत करना है बाहर चले जाओ, बातचीत नहीं। टॉपर्स इंस्टीट्यूट आपको 5 किताबें देगा टैक्स की, सॉरी 4। सीए इंस्टीट्यूट बिल्कुल बातचीत मत किया करें क्लास के अंदर, प्रोफेशनल एग्जाम है, कोई बीकॉम का एग्जाम देने नहीं जा रहे आप लोग। सीए इंस्टीट्यूट आपको 5 किताबें देगा टैक्स की, और इस बार तो 6 देगा, एक अमेंडमेंट की अलग से देगा। मतलब आपके आपको 30 के करीब किताबें देगा सीए इंस्टीट्यूट, जिसमें सबसे ज्यादा किताबें किसकी होंगी, टैक्स की। सबसे लेंदी सिलेबस है टैक्स का, जिसे जाओगे ना तो स्कूटर लेके जाना पापा के साथ, तब लेके आना, किताब अकेले लेके नहीं आ पाओगे, और सेल्फी लेके दिखाना दोस्तों को, देखो सीए कर रहे हैं। लेंदी है, ऑब्वियसली लेंदी है, लेकिन आप लोग क्योंकि कोचिंग सेंटर को चुन के बैठे हो, तो जो लेंदी है ना उसको कंसाइज कर देगा कोचिंग सेंटर, ये फायदा कर देता है कोचिंग सेंटर। तो हम लोग 7 नंबर में 60 मार्क्स में इनकम टैक्स करेंगे और 40 मार्क्स में जीएसटी करेंगे। देखिए इनकम टैक्स के लिए जब स्टार्ट होगा, आप लोग एक 400-500 पेजेस की कॉपी परचेज कर लेंगे। अभी कर लो तो अभी कर लो, एक साथ कर लो सारी, कोई दिक्कत नहीं है। 400-500 पेज की कॉपी, जिसमें हम लोग यहां पे अपनी वर्किंग करेंगे, नोट्स मैं बनवाऊंगा, समरी बनाने के लिए अलग से कॉपी बनाएंगे, पतली सी वो अलग है। 400-500 पेज जो आप क्लास में लेके आओगे, जिसकी हमें वर्किंग यहां पे करनी है, क्वेश्चन यहां पे सॉल्व करने हैं। इनकम टैक्स में 42 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होगा, मतलब जैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना वैसा। टेक्स्ट सुनने में आपको थ्योरी लगता है, लेकिन इंस्टीट्यूट ने आजकल पैटर्न ऐसा कर दिया है कि यह भी आपका 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। मतलब बच्चे मेहनत करते हैं तो 90 नंबर, 85 नंबर, 80 नंबर टेक्स्ट में लेके आ जाते हैं। हाँ, 100 में से 100 नहीं आएगा, क्योंकि यहां जो प्रैक्टिकल है वो लीगल प्रोविजन बेस है, तो कहीं ना कहीं प्रोविजन में गलती एरर हो ही जाता है। बट 95-96 अभी तक इंस्टीट्यूट का जो हाईएस्ट है, यहां तक बच्चे लेके आते हैं। लेकिन है ये भी प्रैक्टिकल, अगर हम अपनी प्लानिंग करें तो हम टैक्स को एक प्रैक्टिकल पेपर के रूप में कवर कर सकते हैं। इसमें 18 मार्क्स का क्या आएगा, एमसीक्यू। जैसे 60 और 40 का प्रपोर्शन है ना, वैसे ही 30 के एमसीक्यू को यहां पे प्रपोर्शन कर दिया गया है। 18 मार्क्स में आपका एमसीक्यू आएगा। देखो ये चीजें ना बड़ी जरूरी है, क्योंकि जैसे ही आधे घंटे एक घंटे में खत्म हो जाएगा, इसके बाद हम लोग पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, फिर तो आगे कहानी शुरू हो जाएगी। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो जानना आपको जरूरी है। तो 42 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव और 18 मार्क्स का एमसीक्यू। इनकम टैक्स में जो सीए इंस्टीट्यूट ने चैप्टर्स आपको दिए हैं, मैं चैप्टर्स आज ही लिखवा देता हूं, कौन से चैप्टर में कितनी क्लासेस लगेंगी आज ही बता दूंगा, और आपका सिलेबस कब खत्म होगा आज ही बता दूंगा, कि बाद में कोई मेरे से आके ही ना कहे कि आपने तो इस दिन को कहा था। टोटल ऑलमोस्ट हम लोग यहां पे सारी पिक्चर क्लियर कर लेंगे और उसके बाद काम शुरू करेंगे। देखिए आज है 4 तारीख है ना, 4 तारीख से लेके 12 तारीख तक हम लोग यहां पे इनकम टैक्स का कैलकुलेशन सीखेंगे। 12 तारीख तक अगर आप इस क्लास में रेगुलर आते, कुछ लोग होंगे जो आज मन कर गया, चलो यार सवेरे उठे, उनके अंदर की बुरी आत्मा ने कहा आज नहीं जाएंगे, है ना, नहीं जा, उनको छोड़ दो। जो लोग रेगुलर आएंगे क्लास में, 12 तारीख को मैं आपको इंश्योर कर रहा हूं कि पूरी दुनिया में
अगर कोई भी आके आपको अपनी टोटल इनकम बता देगा तो आप उसका टैक्स निकाल दोगे, क्योंकि टोटल इनकम निकालना तो हम 4 महीने में सीखेंगे। तो अगर वो अपना टोटल इनकम अगर आपको बता देता है तो अगले 7 से 8 क्लास में आप उसका टैक्स निकालना सीख जाओगे। प्लस बताइए फाउंडेशन में लॉ में कितने सेक्शंस आप लोगों ने याद किया? ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही है। बताइए अगले 8 दिन में अगर इनकम टैक्स के 60 सेक्शन आपको याद ना हो तो चैलेंज करता हूं, और रटना नहीं, आप कसम खाओ कि आप घर जाके रटोगे नहीं और मैं याद करा दूंगा। मजा तो इस काम में है ना, आप कसम खा लो कि मैं रटूंगा ही नहीं, तुम याद करके दिखवाओ और आप याद। और अगर आपको लगता है मैं मोटिवेट करने के लिए बोल रहा हूं तो 7 बजे क्लास खत्म होती है ललिता पार्क में, सीए इंटर के जो बच्चे पढ़ रहे हैं वहां से निकलेंगे, बिल्डिंग से खड़े हो जाना और जीएसटी के उनको 50 सेक्शन जीएसटी का पढ़ना है, किसी भी बच्चे को उठा लेना अपनी मर्जी से और कुछ कोई भी सेक्शन बोल देना, लाइन सुना देगा वो, और उसने रटा नहीं होगा। हम लोग क्लास को इस तरीके से कवर करेंगे, सेक्शंस आर द एड्रेस ऑफ लॉ, आपके प्रोविजन से सेक्शन अलग होते ही नहीं है, वो साथ ही जुड़े हुए हैं और लॉजिकल तरीके से जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके लिए आपको कमिटमेंट लेवल और वो दिखाना पड़ेगा। अगर मैं मान लूं कि नहीं मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूं लेकिन बच्चा अभी डिलीमा में है कि पता नहीं रिजल्ट, दिमाग से निकाल दो, अगले 40 दिन में जीएसटी पैकअप करना, ये हमारा मिशन है बस, ठीक है ना। तो 12 तारीख तक मैं आप लोगों को इनकम टैक्स का पूरा कैलकुलेशन, फिर आपके कुछ यार दोस्त हैं जो एक हफ्ते के बाद वापस आएंगे उनको मैं एक एंट्री रूट दूंगा 11-12 तारीख को कि आके फिर वो अपना जीएसटी शुरू कर लें, और 12 से 32 दिन मतलब 20 अगस्त तक आपका 40% टैक्स का सिलेबस खत्म, सिर्फ 1000 रुपए में। चल, पैसा इमेटेरियल है, बस कमिटमेंट ये कि आपको फायदा उठाना है। चलिए, तो देखो इनकम टैक्स में ना जो सिलेबस है, आपने कभी सीए फाउंडेशन का स्टडी मटेरियल उठा के देखा, आईसीआई का कभी गलती से उठाया हो या पढ़ते थे कभी? नहीं नहीं, कई बार कोचिंग में क्या होता है ना कि हम लोग कोचिंग वाली किताब से ही पढ़ते हैं, इंस्टीट्यूट की बुक को देखते नहीं। अगर आपने इंस्टीट्यूट की बुक देखी होगी या नहीं देखा तो आज घर जाना और सिलेबस वाला पेज ओपन करना शुरू में, और उस पर देखना लेवल ऑफ नॉलेज क्या लिखा हुआ है। एक काम करना, सिलेबस वाला पेज उठाना, उस पर देखना लेवल ऑफ नॉलेज। नहीं अभी 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 कुछ नोट करने, सॉरी अभी नेट पे ओपन करने की जरूरत नहीं है, आराम से लेवल ऑफ नॉलेज ये छोट, देखो माइंडसेट क्लियर होना चाहिए, टीचर का माइंडसेट आप रीड करो, आपका माइंडसेट मैं रीड करूं, फिर पढ़ाई होगी भाई। टॉपर्स की दुकान पे हर चीज बिकती है, यहां फेल भी बिकता है, पास भी बिकता है, फर्स्ट ग्रुप पे बिकता है, सेकंड ग्रुप पे बिकता है, रैंक भी बिकता है, आप क्या खरीदना चाहते हो आप डिसाइड करो। तो माइंडसेट पढ़ के तब हम काम करेंगे। तो देखिए लेवल ऑफ नॉलेज अगर आप फाउंडेशन का उठाते हो ना स्टडी, तो जरा देखिएगा वहां पे क्या लिखा होगा, लिखा होगा बेसिक नॉलेज। बस मतलब जब आप फाउंडेशन का एग्जाम देने गए तो आपसे इंस्टीट्यूट की एक्सपेक्टेशन क्या थी, बेसिक नॉलेज। भाई साहब कुछ बच्चे तो फाउंडेशन के बाद अपना ईमेल आईडी चेंज करते हैं, नाम के आगे एफसीए लगाते हैं, एफसीए। वैसे एफसीए का मतलब होता है फेलो मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, सीनियर मेंबर। फिर बच्चों से पूछो भाई तूने एफसीए क्यों लगा लिया, सर फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट। याद रखिए आप जो पेपर दे के अभी आए हो ये सीए इंस्टीट्यूट का एक एंट्रेंस एग्जाम था। फाउंडेशन, व्हाट इज फाउंडेशन, गेटवे, सीए कोर्स का गेटवे एग्जाम था। इससे आप लोगों ने सिर्फ ये प्रूफ किया है कि आप सीए करने के लिए एक बहुत ही अच्छे रॉ मटेरियल हो, दैट्स इट। जैसे ही इंटर में आप, मैं तो मान के चलूंगा आप सब आ गए हो तभी मैं पढ़ा पाऊंगा यार, मैं कभी ये सोच के नहीं पढ़ा सकता कि 42 दिन के बाद मेरी मेहनत बेकार जाने वाली है, फिर तो मैं कोई भी नहीं कर पाएगा। तो बेसिक नॉलेज हम सब मान के चलते आप सब पास हो गए, और इतिहास गवाह है कि टॉपर्स में जितने बच्चे अर्ली बर्ड में बैठते हैं सिर्फ उसमें से 30-35% बच्चे फेल होते हैं, 70% पास होते हैं, इतना तो इंस्टीट्यूट करता ही है ना गड़बड़। तो बेसिक नॉलेज, जब आप सीए इंटर में आ जाओगे यहां पे लिखा होगा वर्किंग नॉलेज, वर्किंग नॉलेज। मतलब बताओ बेसिक का लेवल ज्यादा या वर्किंग का, जो जो कहोगे मैं मान लूंगा, बताओ बेसिक का लेवल ज्यादा या वर्किंग का। तो आपने फाउंडेशन से इंटर में आके अपने अंदर क्या चेंज किया, वो बदलाव जरूरी है।
अगर हम वही बिहेव करेंगे जो पहले किया और आज भी, तो शायद हमारे साथ हादसा हो जाएगा। अच्छा, फाइनल में जाओगे क्या होगा? एक्सपर्ट नॉलेज। वहां पे जो भी सिलेबस होगा उसका हमें क्या चाहिए? एक्सपर्ट नॉलेज। बस जो बच्चा इसको समझ गया वो यहां पे धोखा नहीं खा सकता। लेकिन पता है, इसके साथ ना भगवान ने हमारे साथ एक बड़ी नाइंसाफी की है। इन तीनों ही लेवल के लिए हमें सिर्फ 24 घंटे ही दिए हैं। भाई अगर बेसिक था तो वहां 24 दिया, तो वर्किंग में 36 देता ना, और यहां पे 48 देता। वो उसने नहीं दिया, उसने कहा आपको अपना वर्किंग स्टाइल, आपका अपना इन्वायरमेंट चेंज करना पड़ेगा। गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, सबके पास 24 घंटे ही हैं। जो अपने टाइम को इफेक्टिव तरीके से यूज करेगा वही अपना करियर अच्छे तरीके से अपने हिसाब से बनाएगा। तो प्लीज, दो चार चीजें जब मैं फाउंडेशन के बच्चों को देखता हूं, फिर मुझे लगता है यार ये लोग कैसे आगे करेंगे। मोबाइल फोन, आपके लाइफ के ना सबसे बड़े दुश्मन यही दो चार चीजें हैं। देखो, मैं आया क्लास में, मैंने अपना मोबाइल फेंक दिया। आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉल्स मुझे आते होंगे, मैं पढ़ाने के अलावा फुल टाइम प्रैक्टिस में भी हूं, लेकिन मैं दोनों काम एक साथ नहीं कर सकता। ऐसे रख दिया, हो सकता है या ऐसे कर दो तो कोई कॉल आ जाए मेरे पास इंपॉर्टेंट और मुझे उठाने का मन करे। नहीं सर, रख दिया। ये दो चार चीजें आपको अपने अंदर बदलाव करने हैं, तभी आप यहां पे वो रिजल्ट चाहोगे। बताइए, आप में से कोई बच्चा ऐसा होगा ना सेंटर के बाहर निकल के बोलता होगा 320 तो पक्का, इससे कम नहीं आ सकते सर, इसको कहते हैं पढ़ाई। अगर हम जाके बाहर के देखते हैं पेपर तो कर ही दिया है, आपने सर पढ़ाई नहीं, मजाक किया है, आपने मजाक किया है, ये आपका कोर काम है। बताइए, आपके पापा सवेरे उठते हैं, बेचारे ऑफिस जाते हैं ना, सब लोग जाते हैं, सब लोग अपना काम कर रहे हैं, 12-14 घंटे हर कोई मेहनत कर रहा है, और हम 4 घंटे क्लास कराते हैं, देखो एक मैसेज आता है कि सर थक गए। कोई भी गरीब से गरीब, अमीर अंबानी को देखो, 15-16 घंटे काम वो भी करता है, हर कोई कर रहा है। तो एज ए स्टूडेंट हमारी भी ड्यूटी है कि हम इतना काम करें। तो याद रखिए, आपके 24 आवर्स तो 24 है, इसको थोड़ी ना बढ़ाया गया है। हमें अपने टाइम को और इफेक्टिव तरीके से यूज करना है। या तो पूरी जिंदगी संघर्ष करें, या 4-5 साल संघर्ष करके एक अच्छा बेहतर करियर बना लें, च्वाइस आपकी है। ठीक, चलिए। तो देखो, इंस्टीट्यूट ने साफ साफ कह दिया कि देखो फाउंडेशन को इंटर से कंपेयर मत करना। वहां पे हम बहुत बेसिक लेवल से क्वेश्चन पूछते थे, थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा इंटर में, और जब आप फाइनल में जाओगे तब तो हम रगड़ देंगे। फाइनल में तो एक्सपर्ट है, क्योंकि अब आप फंस चुके हो ना, अब आपको फाइनल के अलावा और क्या च्वाइस है। तो वहां पे पेपर का लेवल अलग हो जाता है, तो हमें थोड़ा सा अपने काम करने के तरीके को बदलना होगा, और वो हम बदलवाएंगे, चिंता क्यों कर रहे हो। चलिए, तो देखिए, हम लोग सबसे पहले इनकम टैक्स के जो 12-14 टॉपिक है उसको डिस्कस करते हुए चलते हैं, और उसके बाद फिर जीएसटी की बात करेंगे, और सिलेबस फिर आ जाएंगे डिस्क्रिप्टिव स्टडी पे। सीए इंस्टीट्यूट ने कहा कि जब ये बच्चे आर्टिकल शिप करने आएंगे ना, तो इनको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स पता होना चाहिए। लिखते रहना प्लीज, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स एंड कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स एंड कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। हमारे सीए फाइनल में एक टीचर हुआ करते थे, तो अब तो खैर ऑनलाइन क्लासेस इतनी ज्यादा होने लग गई तो फेस टू फेस में इतना क्राउड नहीं आता है। अदरवाइज पहले तो जब पूरा कोई ऑनलाइन होता ही नहीं था, 600-700-800 बच्चे बैच में होते थे, तो कहते थे कि देखो अगर ग्रुप में पढ़ने आ रहे हो तो कभी भी अपने दोस्त के साथ मत बैठो। तो अगर मान लो साइड में साथ में कोई ऐसा दोस्त बैठा है जिससे बात बात करने का मन कर रहा है, तो प्लीज, क्लासरूम वो फोरम नहीं है जहां आप आपस में डिस्कस करोगे, उसके लिए आपको ब्रेक का टाइम दिया जाता है, बाहर दिया जाता है, तो उसके साथ मत बैठो, आपका नुकसान होगा। और अगर लगता है कि नहीं, क्लास में आप बड़े विचलित रहते हो, इधर उधर नजर मारते हो, तो फ्रंट बेंच पे बैठना, क्योंकि यहां से कुछ नहीं दिखता, यहां से टीचर दिखेगा और आप दिखोगे। ठीक है, चलिए। तो हम लोग 7 से 8 क्लास में, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि 7 से 8 क्लास में किसी की भी इनकम लेके आ जाओ। इनकम निकालना नहीं सिखा पाऊंगा मैं इतनी जल्दी, लेकिन अगर आप कहते हो कि अमिताभ बच्चन की इनकम 500 करोड़ रुपया है, तो मैं उनका टैक्स निकालना सिखा दूंगा आपको। आप कहोगे एक्स वाई जेड लिमिटेड की इतनी टोटल इनकम है, तो उसका टैक्स निकालना सिखा दूंगा मैं आपको। किसी भी इंडिविजुअल का, किसी भी नेचुरल पर्सन या आर्टिफिशियल पर्सन का,
आप मुझे टोटल इनकम दे दोगे, हम टैक्स निकालना सीख लेंगे 7 से 8 क्लास में। मैं जीएसटी अभी शुरू कर देता लेकिन क्योंकि 7-8 दिन मेरे पास एक्स्ट्रा है तो उसमें हम लोग ये कवर कर लेंगे। आता है समझ में? और साथ में कितने सेक्शन का प्रॉमिस किया मैंने? 60 सेक्शंस। और उसमें एक शर्त है कि आप क्या कोशिश करोगे? हम नहीं कर रहे याद, फाउंडेशन में हमारा स्टैंडर्ड है, हमने नहीं किया, यहां भी नहीं करेंगे और वो आपको याद हो जाएगा। चलेगा? चलो ठीक। तो हम लोग सबसे पहले इस चैप्टर में पढ़ेंगे इनकम क्या होता है, टाइप्स ऑफ इनकम क्या होता है, अगर किसी की टोटल इनकम है तो उस पर टैक्स कैसे निकाला जाएगा प्रॉपर 7 से 8। इस पूरे चैप्टर में हम लोग 50 पेज की वर्किंग करेंगे और उस 50 पेज में हम लोग टैक्स कैलकुलेशन सीख जाएंगे। ठीक है, चलिए दूसरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस रेजिडेंशियल स्टेटस, इतना ही लिखो हम 5 to 6 क्लासेस में। तुम लोगों ने कभी सुना है रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट? एक दिन देख सुना था मैं, अनूप सर या कोई पढ़ा रहे थे आपको, 182 दिन, 120 दिन, है ना, ऐसा ही कुछ पढ़ रहे थे ना आप लोग, छींटे मारे थे उन्होंने आपके ऊपर। हम यहां नहाएंगे, आप टेक्स में उसको डिटेल में पढ़ोगे। जिसके छींटे पड़े थे ना वहां पे, अब समय आ गया कि अब उसको बिल्कुल इस पे रिसर्च किया जाए। तो अपने इंडिया में जो इनकम होती है ना, इंसिडेंस ऑफ टैक्स होता है, जैसे मान लीजिए कोई नॉन रेजिडेंट आपको बोलता है कि जल्दी तो नहीं तुम लोग घर जाने का, 2-4-5 घंटे बैठोगे यहां पे, ठीक, देखा क्या, अच्छा कितने बजे तक बताओ, अच्छा अरे हाँ ठीक है ठीक है, चलो प्लीज आओ। देखो मान लीजिए मिस्टर एक्स हैं और ये इंडिया के रेजिडेंट हैं। थोड़ा थोड़ा समझते चलते हैं कि इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस क्या है। थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लो, रेजिडेंट का मतलब होता है जो लोग इंडिया में रहते हैं, अपने लोग, जैसे हम सब लोग कौन है, इंडिया के रेजिडेंट है। मैं गलत बोल रहा हूं क्योंकि अभी तक मैंने पढ़ाया नहीं, हम थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लेते हैं कि हम सब लोग जो यहां बैठे हैं वो सब लोग इंडिया के रेजिडेंट हैं। अब सोचो हम लोगों के इनकम के कई सारे सोर्स हो सकते हैं। मान लीजिए आप एक सैलरी इनकम कमाते हो, सैलरी इनकम इन इंडिया, तो हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि मिस्टर एक्स जो ये सैलरी इनकम इंडिया में कमा रहे हैं, क्या इंडिया में इनके हाथ में टैक्सेबल है, क्या इनको इसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा? बोलो नहीं, नहीं मतलब अभी आप यस नो नहीं बोल सकते हो, ये हमें लॉ बताएगा कि कौन सी इनकम कैसे टैक्स होगी। ठीक है, चलो हम कह सकते हैं कि यहां इंडिया लिखा हुआ है ना और ये इंडिया के रेजिडेंट ही हैं, मतलब इस इनकम का इंडिया के साथ क्या है, नेक्सस है, कनेक्शन है, तो ये इंडिया में टैक्स होगा। लेकिन मान लीजिए इन भाई साहब के पास इन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है, इन्वेस्टमेंट इन यूके, उत्तराखंड नहीं, हाँ मतलब आजकल बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, इन्होंने यूके में कुछ इन्वेस्टमेंट किया है और वहां से इंटरेस्ट इनकम आ रही है, क्या ये इंटरेस्ट इनकम इनके हाथ में टैक्स होनी चाहिए? इसके लिए हमारे पास एक चैप्टर है रेजिडेंशियल स्टेटस, क्योंकि आप कौन सी, आपकी टोटल इनकम इंडिया में कितनी टैक्सेबल होगी उसके लिए हमें स्टेटस पता करना होगा। अगर मैं नॉन रेजिडेंट हूं तो मेरा इंडिया में टैक्स का जो स्कोप है वो कुछ और होगा, और अगर मैं रेजिडेंट हूं तो मेरे टैक्स का स्कोप कुछ और होगा। तो पहले ये तो पता लगे कि रेजिडेंट कौन, नॉन रेजिडेंट कौन, और अगर मैं रेजिडेंट हूं तो ऑर्डिनरी भी हो सकता हूं और नॉट ऑर्डिनरी। इसके लिए एक बड़ा खूबसूरत चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 जो हम लोग पढ़ेंगे, उसमें टाइम लगाएंगे हम लोग 5 से 6 क्लास, क्योंकि किसी भी टैक्सेबल एंटिटी का, जो लोग इंडिया में टैक्स देते हैं, किस इनकम के ऊपर टैक्स देंगे ये पता लगा ही नहीं सकते हो आप, जब तक आपको ये पता नहीं लगेगा कि उसका स्टेटस क्या है। मान लीजिए रिसेप्शन पे कोई बच्चा आ गया, कहता है अरे मैडम एडमिशन ले लो, कुछ भी पढ़ा दो पढ़ लेंगे, बताओ ऐसे बोलेगा तो उसका एडमिशन हम कहां लेंगे भाई? तो ये बता तू सीए में एडमिशन लेगा, सीएस में लेगा, सीएम में लेगा, बीकॉम में कहां लेगा? बता रहे मैडम कुछ भी पढ़ा दो, ऐसे थोड़ी होता है। तो जब तक कोई, मान लीजिए मेरा सीए फर्म है और तुम आके कहते हो सर ये मेरे इनकम की डिटेल है टैक्स निकाल दो, मैं टैक्स नहीं निकाल सकता जब तक आप मुझे ये नहीं बताओगे कि इंडिया में आपका स्टेटस क्या है। आप इंडिया में रेजिडेंट हो बेटा, बातचीत नहीं प्लीज,
ठीक है, बातचीत करने का एक अच्छा फोरम है, बाहर 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 चले जाया करो, यहां पे वही लोग बैठे जिनको पढ़ना हो, ठीक है। चलिए, और नेक्स्ट क्लास से गर्ल्स इधर बैठेंगी, बॉयज का ये वाला पोर्शन है, टोटल गर्ल्स इधर, ये वाला पोर्शन गर्ल्स के लिए होता है और इधर वाला सारा बॉयज के लिए होता है, ठीक है। चलिए, तो अगर आपने मुझे टोटल इनकम की डिटेल दे दी, जब तक आप मुझे ये नहीं बताओगे कि आपका स्टेटस क्या है, इंडिया में कितने इनकम पे टैक्स लगेगा, मैं बता नहीं सकता। तो इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि कोई टैक्सेबल पर्सन इंडिया में रेजिडेंट कब बनेगा, नॉन रेजिडेंट कब बनेगा, अगर रेजिडेंट बन गया तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट कब होगा, और उसका टैक्स के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा, ठीक है ना। चलिए, थर्ड, ये मैं आपको इनकम टैक्स का सिलेबस और उसमें कितना टाइम लगेगा ये सारा बता देता हूं। ये चैप्टर बिल्कुल आपके सीए इंस्टीट्यूट के स्टडी के हिसाब से ही सीक्वेंस करके बता रहा हूं मैं। थर्ड, इनकम अंडर हेड सैलरी, बताइए आपके हाथ में कितनी उंगलियां हैं, चार, कौन बोला आमीन, अब मैं बोल दूंगा भगवान चार ही कर दे तो फिर मत बोल देना कि मैंने गलत बोल दिया। हर हर जवाब का बड़ा गंदा जवाब होता है टीचर के पास, उसके बाद फिर रात को नींद नहीं आएगी। तो प्लीज, टीचर टीचर ने इतने सारी क्लासेस ले चुकी होती है ना, उसके पास हर चीज का रेंज होता है, तो प्लीज टीचर से पंगा नहीं, चार तथास्तु बोल दूंगा फिर। आओ देखो, इनकम अंडर द, पांच उंगलियां हैं ना अपने पास, इनकम टैक्स में इनकम के पांच हेड से, आप कितने बड़े भी रजनीकांत क्यों ना हो, आप जितनी भी इनकम क्यों ना कमा लो, टैक्स पर्पज के लिए पांच हेड में उसको कवर करना होता है लीगली। कुछ भी कमा लो, हमारे पास फाइव हेड्स ऑफ इनकम होते हैं, और उसमें सबसे पहला होता है इनकम अंडर द हेड सैलरी। सैलरी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है नो वन कैन अर्न इनकम फ्रॉम हिमसेल्फ, नो वन कैन अर्न इनकम फ्रॉम हिमसेल्फ, हम अपने आप से पैसा नहीं कमा सकते, पैसा कमाने के लिए दो लोगों का होना जरूरी है, एक होगा पेयर, एक होगा पे। पक्का बताइए, आप अभी क्लास से बाहर निकले, एटीएम कार्ड लेके गए और अपने बैंक अकाउंट से कुछ पैसे विड्रॉ कर लिए, क्या आपने वो पैसा कमा लिया, तभी एक एंट्री आती है ना, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड बाय सो मच अमाउंट, तो आपने तो अपने पैसे निकाल लिए। अरे दूसरे के एटीएम से पैसा निकालो वो कमाई है, अपने अकाउंट से पैसे निकाल लिए वो कैसी कमाई। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नो वन कैन अर्न इनकम फ्रॉम हिमसेल्फ, इनकम कमाने के लिए दो लोगों का होना जरूरी है, एक होगा पेयर और एक होगा पे, और इन दोनों में क्या रिश्ता है उससे यह पता लगता है कि यह इनकम कौन सी है। अगर पेयर पे के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है और उस रिलेशनशिप से कोई इनकम कमाई गई, उसको हम क्या बोलेंगे, सैलरी इनकम। और अभी मैंने कुछ पढ़ाया नहीं, आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं, इसको हम लोग पढ़ेंगे 10 से 12 क्लासेस के अंदर। क्योंकि हिंदुस्तान के मोर देन 70% लोग सैलरी क्लास हैं, 70%। और देखिए, जिस दिन आप ये चैप्टर कवर कर लोगे, ब्यूटी ऑफ टैक्स देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं पढ़ा रहा हूं इसलिए बोल रहा हूं, इस पेपर का इंपैक्ट देखिए कि 12 क्लास के बाद हिंदुस्तान के किसी भी इंडिविजुअल का आप टैक्स निकाल सकते हो, इंपैक्ट ऑफ टैक्स। आप अपने घर के आगे बोर्ड लगा दीजिएगा, हमारे यहां सैलरी इनकम कंप्यूट होती है, और नीचे नोट ऑन चार्जेबल बेसिस, कोई फ्री वाला ना आ जाए, क्योंकि हमने जो सीखा है वो फ्री में नहीं सीखा है। तो 10 से 12 क्लास में हम लोग इनकम निकालना सीखेंगे, सैलरी क्लास। और सैलरी किसको बोलेंगे, जहां पेयर पे के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप हो। अब कैसे एस्टेब्लिश किया जाए कि पेयर पे के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी नहीं। तो जब पेयर पे के बीच में कैसा रिलेशनशिप हो, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई, और वहां से आप कोई पैसे कमाते हो, उसको हम क्या बोलेंगे, सैलरी इनकम। और वो हमारे सिलेबस में है, 10 से 12 क्लास लगाएंगे हम लोग, यहां पे अच्छे से कवर करेंगे, आपके सिलेबस का सबसे लेंथी टॉपिक यही है। चलिए, अब जब हम सैलरी कमा लेते हैं, थोड़ा बहुत पैसे और हमारे पास आ जाते हैं, तो हम लोग मकान खरीदते हैं।
एक मकान होता है रहने के लिए, रहने वाले मकान से तो कोई इनकम नहीं कमाओगे, लेकिन अगर और मकान आपने परचेज कर लिया और रेंट पे दे दिया तो वहां से रेंटल इनकम आती है। तो एक चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग इनकम, यूएच का मतलब अंडर हेड, फाइव हेड्स ऑफ इनकम है हमारे पास। पहला हेड क्या है? सैलरी। दूसरा हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी। बहुत सारे लोग आप लोगों में से ऐसे होंगे जिनके घर पे रेंटल इनकम आती होगी मकान से, या आस पड़ोस में आप लोग देखते होंगे कि अंकल ने अपना मकान किराए पे दिया है, वहां से रेंट आ रहा है। तो जो रेंट कमा रहे हैं उसमें से कितने अमाउंट पे टैक्स लगेगा, किस रेट से लगेगा, वो आपको चैप्टर बताएगा। क्या रेंट से कमाई हुई इनकम इनकम नहीं होती है? होती है। पैसिव इनकम है हमारी, एक होती है एक्टिव इनकम, एक होती है पैसिव इनकम। अभी जो मैं आपको पढ़ा के कमा रहा हूं क्या है? एक्टिव इनकम। बोलो, लेकिन हमने स्टॉक मार्केट में पैसे लगा रखे हैं, वो भी तो कमा रहा है, आज मार्केट ऊपर है। बताइए वो क्या है? मेरी पैसिव इनकम, जहां पे मुझे एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, एफर्टलेस इनकम है मेरी। आता है समझ में? इनकम अंडर द हेड हाउस पर्टी, एक छोटा सा चैप्टर है, इसको हम ज्यादा नहीं 5 से 6 क्लास में पैक कर लेंगे। चलो आप लोग मुझे एक बार बता दो, हाउस प्रॉपर्टी से कितने टाइप की इनकम आ सकती है? बिल्कुल, समय आएगा तो कहूंगा सार्थक, चिंता ना करो। बताइए, एक तो मकान बेच के कमा सकते हो और एक रेंट पे देके कमा सकते हो, कोई और तीसरी इनकम? लीज। लीज और रेंट में क्या फर्क है? लीज और रेंट में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं, लीज और रेंट एक ही है, ठीक है ना? वो जब आप लोग अकाउंट्स में AS 19 पढ़ोगे तो आपको फिनांस लीज, ऑपरेटिंग लीज पढ़ाया जाएगा, वो अकाउंट्स में पढ़ना। फ्रॉम द टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन लीज एंड रेंट। तो एक रेंटल इनकम और दूसरा मकान बेच के। ये चैप्टर बात करेगा विदाउट चेंज इन ओनरशिप। कौन सी इनकम? विदाउट चेंज इन ओनरशिप, विदाउट चेंज इन ओनरशिप। एक मकान से इनकम तो कमा रहे हो आप, लेकिन ओनरशिप चेंज नहीं किया। अगर हम लोकल लैंग्वेज में बात करें तो रेंटल इनकम। तो रेंटल इनकम को टैक्स करने के लिए हमारे पास एक चैप्टर है जो आपको बताएगा कि अगर कोई रेंटल इनकम कमाता है तो उसको कौन से अमाउंट पर टैक्स देना है, क्या उसको कोई छूट मिलती है वहां पर। यह सब कुछ हम लोग यहां पर पढ़ेंगे। आता है समझ में? चलिए, चैप्टर 5 इनकम अंडर हेड बिजनेस प्रोफेशन। इनकम अंडर हेड बिजनेस प्रोफेशन। अच्छा सुनो, मैंने आप लोगों को चुप रहने के लिए कह दिया तो ये नहीं कि मैंने आपको डांट दिया है, तो ऐसे उदास होकर नहीं बैठना है। लेकिन बताओ, तुम लोग यहां पे आए हो सिर्फ ये थोड़ी ना क्लास, आप लोग हमारे छोटे भाई बहन की तरह हो, हम लोग तो यही मान के पढ़ाते हैं। जहां हमें लगेगा कि आप क्लास आप लोग अपना बुरा कर रहे हो, मैं आपको टोक दूंगा। तो ये नहीं कि मैंने कोई डांट दिया, और हम लोग दिल्ली में पले बड़े ना, तो हमारी टोन ऐसी होती है। अब हम वहां से कितने प्यार से बोलते हैं, देखिए है ना ऐसे। तो हर आदमी का अपना अपना तरीका है। तो ये नहीं कि मैंने बोल दिया तो आपको डांट दिया। पढ़ाई के टाइम पढ़ाई, 10-15 मिनट पढ़ेंगे, फिर एक हल्का सा गैप, और उसके बाद फिर पढ़ाई। क्योंकि देखो, हमारे हम कितना आपस में एक दूसरे को पसंद करेंगे ये इस पर डिपेंड करेगा कि रिजल्ट क्या आ रहा है। अगर आप पास हो गए ना, हर चीज जस्टिफाइड है, और पास नहीं हुए तो सारी चीज बेकार है। तो इसीलिए अगर मैंने किसी को चुप रहने के लिए बोल दिया तो ये नहीं कि अरे यार नहीं, आप बोलो मत, हम कुछ बोलेंगे नहीं। ठीक, चलिए। मिहिर है कोई क्लास में? मिहिर, मिहिर तिवारी, हाँ इनकम अंडर हेड बिजनेस प्रोफेशन। बहुत सारे लोग, जैसे आपके पापा जरूरी नहीं कि जॉब करते हो सकता है वो बिजनेस करते हो, दुकान चलाते हो, अपना कोई सर्विस देते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे सर्विस देंगे। तो अगर आप बिजनेस या प्रोफेशन में हो तो उसके लिए हमारे पास एक अलग टॉपिक है जहां पे हम लोग इनकम निकालेंगे, PGBP बोलेंगे शॉर्ट में इसको, प्रॉफिट गेन अंडर बिजनेस प्रोफेशन, इनकम अंडर द हेड बिजनेस प्रोफेशन। 10 क्लास से ज्यादा नहीं। और आपको बता दूं, इनकम टैक्स का
जो पहला क्वेश्चन आता है 10 से 12 नंबर का वो पीजीबीपी का होता है। दुनिया में किसी भी टीचर से पढ़ो, ये आपकी च्वाइस है। आपका टीचर अच्छा पढ़ाता है, बढ़िया पढ़ाता है, ये इस बात से समझ में आएगा कि उसने पीजीबीपी आपको समझा दिया कि नहीं। सैलरी तो आर्टिकल पढ़ा देगा आपको आके ऑफिस का। ये दिस इज द चैप्टर। सैलरी तो ऑफिस का प्योन आके कैलकुलेशन सिखा देगा। अगर 10-12 साल प्योन सीए फर्म में काम करता है ना, सैलरी निकालना उसको आ जाता है। ये चैलेंजिंग चैप्टर होगा आपके लिए, और आपके एग्जाम में जो पहला क्वेश्चन होगा 10 से 12 नंबर का यहीं से होगा, ठीक है। चलिए, तो इनकम अंडर द हेड बिजनेस प्रोफेशन, यहां पे क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, लेंदी क्वेश्चन होते हैं, यहां मजा आएगा आपको। सैलरी में हम लोग पढ़ेंगे एम्प्लॉय के एंगल से, और यहां आके पढ़ेंगे एम्प्लॉयर के एंगल से, बिजनेसमैन के एंगल से, प्रोफेशनल के एंगल से, ठीक है। चलिए, कितने हेड्स हो गए हमारे पास? 3 हो गए। सैलरी इज अ हेड ऑफ इनकम, हाउस पार्टी इज अ हेड ऑफ इनकम, पीजीबीपी प्रॉफिट गेन अंडर बिजनेस प्रोफेशन इज अ हेड ऑफ इनकम, एंड चलिए कैपिटल गेन। सुना है कभी? सुनते तो तुम लोग सब कुछ होंगे। कैपिटल गेन, कुछ लोग स्टॉक मार्केट में पैसे लगाते हो, डीमैट अकाउंट कितने लोगों के पास है? भाई साहब, कोविड के बाद खोला या उससे पहले? पहले। पैसे भी कमाए, प्रॉफिट कमाया? कितना प्रॉफिट कमाया? 10 लाख? 10,000? नहीं, मैं तो इसलिए पूछ रहा हूं, फीस उसी हिसाब से लूंगा ना फिर, ठीक। चलिए, तो आपने शेयर्स में पैसे लगाए, किसी ने गोल्ड में लगाए होंगे, किसी ने प्रॉपर्टी में लगाए होंगे। तो जब आप किसी एसेट को बेचते हो ना, देखो हाउस पार्टी में हमने क्या पढ़ा था, विदाउट चेंज इन ओनरशिप। लेकिन अगर मैं किसी एसेट को बेचता हूं और वहां से कोई इनकम आती है तो उसको हम यहां टैक्स करते हैं। जैसे आपने अपनी ज्वेलरी बेच दी, मम्मी ने आपको, मान लो पापा ने बोला फाउंडेशन पास हो गए तो आपको एक गोल्डन चैन, गोल्ड रिंग देंगे, एक गोल्ड रिंग देंगे, तुमने अगले दिन बेच दिया। तो अगर किसी एसेट को बेच के हम इनकम कमाए तो कहां पे लेके आएंगे हम लोग? कैपिटल गेन। कैपिटल गेन पढ़ेंगे हम लोग, ब्रैकेट में लिख लो सेल ऑफ कैपिटल एसेट। अगर हम किसी पूरा डिटेल में नहीं पढ़ पाएंगे अभी, हम लोग आगे पढ़ेंगे। जब हम किसी कैपिटल एसेट को सेल करते हैं और वहां से कोई फायदा आता है तो उसको हम कैपिटल गेन बोलते हैं। 5 हेड्स ऑफ इनकम आपको इनकम टैक्स में दिया हुआ है, वो सारे आपके सिलेबस में है। और इसके बाद अगर बीकॉम का एग्जाम देने जा रहे हो तो गलती से किसी टीचर को ना बीकॉम की फीस मत दे देना, पहले चेक कर लेना सीए का कितना सिलेबस वहां से मैच करता है। इनकम टैक्स पूरा मैच करता है, ठीक है ना। तो ये नहीं कि फालतू में चढ़ावा देके आगे कहीं और, कोई फायदा नहीं है, एक जगह चढ़ावा काफी है। कैपिटल गेन। चलिए, 7वां देखिए, 3, 4, 5, 6, 7। हाँ, अच्छा, सॉरी, 8 to 9 क्लासेस। मैथ वाले सर ने एक बात पढ़ाई होगी कि मैथ में जिसका कोई नहीं होता उसका एक होता है, नहीं पढ़ा ऐसा? एक होता है ना, एज्यूम कर लो 1 है ना। तो वैसे ही टैक्स में जिसका कोई नहीं होता उसका अदर सोर्स होता है। बताइए, क्या आपने कोई इनकम कमाया? हां। क्या आपने कोई इनकम कमाया? आवाज तेज आनी चाहिए। क्या आपने कोई इनकम कमाया? सबसे पहले चेक करिए कि वो किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक हेड में जा रहा है क्या। क्या वो सैलरी इनकम है? कैसे पता करोगे? देयर मस्ट बी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप बिटवीन पेयर एंड पे। अगर है तो सैलरी में जाएगा। सैलरी इज अ स्पेसिफिक चैप्टर, वहां और कोई इनकम नहीं जा सकता। हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी से कमाई हुई इनकम वहां जाएगी और कोई नहीं जा सकता, स्पेसिफिक चैप्टर है। थर्ड, बिजनेस प्रोफेशन की इनकम कहां जाएगी? पीजीबीपी के अंदर जाएगी। अगर आपने किसी एसेट को सेल किया, इनकम कहां जाएगी? कैपिटल गेन। और जो चारों में से कहीं नहीं जाएगा वो बाय डिफॉल्ट कहां चला जाएगा? अदर सोर्स। टैक्स में जिसका कोई नहीं होता उसका अदर सोर्स होता है। बाकी सारी इनकम को यहां लेके आ जाइएगा। यह हमारे पास 5 हेड्स ऑफ इनकम है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। छोटा सा चैप्टर है, 2 से 3 क्लासेस का। इसको हम पीजीबीपी भी बोलते हैं। किसी बच्चे की आवाज आई, पीजीबीपी क्या? ये
प्रॉफिट गेन अंडर बिजनेस प्रोफेशन, प्रॉफिट गेन अंडर बिजनेस प्रोफेशन। बताइए आप किसी सोसाइटी में रहते हो तो आपके कार का एक पार्किंग स्लॉट अलॉट होता है, तो आपकी कार उसी पार्किंग स्लॉट में जाके पार्क होती है, मतलब स्पेसिफिक पार्किंग है। लेकिन आपका कोई गेस्ट आता है उसके लिए कहीं नॉर्मल पार्किंग दी गई है, अगर खाली है तो पार्क कर दो, तो अदर सोर्स वैसा ही है। लेकिन अगर कोई इनकम स्पेसिफिक चैप्टर में आ जाए तो उसको कहां लेके जाओगे, उस चैप्टर। बताइए सैलरी कहां लेके जाओगे, सैलरी चैप्टर में। हाउस पर्टी, हाउस पर्टी। पीजीबीपी, पीजीबीपी। सबके प्रोविजन है। अभी देखो हम आइडिया देता हूं, देखो ये रटना मत, अभी रटने का काम तो 8 दिन में करवाऊंगा सेक्शन का। जैसे अभी मत लिखना कुछ यहां पे, जैसे सैलरी हेड है सेक्शन 15-17, इनकम टैक्स एक्ट के इन सेक्शंस में कवर है। तो अगर मैं सैलरी कमाऊंगा तो कौन से रेंज में जाऊंगा, 15-17 में। ये है 22-27 तक, इस तरीके से रेंज बने हुए हैं और ये रेंज आपको धीरे धीरे याद होते जाएंगे। तो जब भी हम कोई इनकम कमाएंगे सबसे पहले देखेंगे क्या उसके लिए कोई स्पेसिफिक चैप्टर है, अगर है तो हम वहां जाएंगे, अगर नहीं है तो बाई डिफॉल्ट कहां चले जाएंगे, अदर सोर्स में। इसको कहा जाता है 5 heads of income। आप चाहे कितने बड़े ही रजनीकांत क्यों ना हो, आप जो भी इनकम कमाओगे टैक्स पर्पज के लिए इन 5 chapters में कवर कर दिया जाएगा। अरे मैं कौन सी बड़ी बात बोल रहा हूं, 5वां head है ही अदर सोर्स। तो 4 के बाद कुछ भी बाय डिफॉल्ट बचेगा कहां चला जाएगा, अदर सोर्स में। बताइए डिविडेंड इनकम कहां जाएगा, इंटरेस्ट इनकम, गिफ्ट, अदर सोर्स, सब कुछ अदर सोर्स में आता है, समझ में। चलिए तुम में से कितने ऐसे बच्चे हो जो माइनर चाइल्ड है, कोई है एक आधे माइनर, तू अभी भी माइनर ही है, अभी भी माइनर। अच्छा इस महीने में तुम मेजर हो जाओ, कोई बात नहीं, एक माइनर इधर बैठा हुआ है, एक माइनर यहां बैठे, इधर से कोई माइनर, तुम भी माइनर, अच्छा ठीक है चलो गुड। तो मान लीजिए इनसे पूछा जाए कि भाई एज ए माइनर तुम्हारे पास जो इनकम है वो कहां से आई, तो क्या बोलेंगे, पापा की है। मतलब माइनर की सारी हैसियत किससे, पापा से। कई बार क्या होता है ना, देखिए जो लोग, जिन लोगों को टैक्स लगता है ना, वो टैक्स बचाने के लिए अपने इनकम को डाइवर्ट कर देते हैं घर के कुछ लोगों के बीच में। इतिहास गवाह है कि हर अमीर आदमी ने गरीबों का इस्तेमाल किया है टैक्स बचाने के लिए। आप चले जाइए किसी अमीर के पास, उसने सारी इन्वेस्टमेंट सब कुछ अपने नौकरों के नाम पे किया होगा, जो अपने लॉयल नौकर होंगे कि हम ना फंसे, और सबको क्या इंश्योर किया होगा, अबे तुम जेल भी चले जाओगे तो कोई बात नहीं, अगर मैं बाहर रहूंगा सबके परिवार की रक्षा करूंगा, लेकिन अगर मैं अंदर चला गया तो आप जाओगे बिजनेसेस में देखोगे मैक्सिमम अग्रीमेंट जो होते हैं ना वो लॉयल एम्प्लॉइज के नाम पर बनाए जाते हैं, और उसी के बदले में उनको थोड़ी सैलरी ज्यादा दी जाती है। तो यहां जितने भी बच्चे माइनर बैठे हो, बताओ एज ए माइनर आपके पास इनकम कहां से आ सकती है, अगर आप एक नॉर्मल चाइल्ड हो। अगर आप स्मार्ट चाइल्ड हो, टैलेंट शो में जाते हो, पार्टिसिपेट करते हो, पैसे कमाते हो, अलग बात है। बट आप अगर एक नॉर्मल माइनर चाइल्ड हो तो आपकी इनकम कहां से आएगी, पेरेंट्स की इनकम होगी। तो बताइए अगर पेरेंट्स अपने इनकम को डाइवर्ट करते हैं तो टैक्स पर्पज के लिए उनकी इनकम किसके हाथ में जोड़ दी जाएगी, पेरेंट्स के हाथ में। एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए एक बिजनेसमैन है, अपनी वाइफ को उसने अपने ऑफिस में सैलरी पर रख लिया। वाइफ ने कहा कि देखो आप तो इतने बड़े आदमी हो और मुझे हाउसवाइफ बना रखा है, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। उसने कहा इतनी सी बात है, ये ले तू कल से मेरे ऑफिस में एचआर हेड होगी। बोलो एचआर, अरे भाई हस्बैंड इस कंपनी है उसकी, एचआर हेड बना दिया, सबसे सबसे इजी पोस्ट है ये, इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, एचआर हेड बना दिया, ठीक है, और सैलरी 5 lakh rupees पर मंथ। अरे तो क्या हो गया, क्या हो गया भाई, मेरा ऑफिस है, हमने अपनी वाइफ को वहां पे एम्प्लॉई रखा, एचआर हेड बना, समझना ध्यान से, एचआर हेड बना दिया, कितनी सैलरी, 5 lakh rupees पर मंथ। बताइए 60 lakh rupees साल का हुआ, ये लेडी अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगी, बहुत पैसे हैं। कल को इनकम टैक्स में केस स्क्रूटनी में आ गया, इनकम टैक्स ने कहा मैडम लास्ट ईयर तक तो आपकी आईटीआर आई नहीं थी, अचानक से ये 60 lakh rupees, प्लीज आप हमारे ऑफिस में आइए, आपसे हमें कुछ पूछताछ करनी है।
इनकम टैक्स को पावर है ना नोटिस भेज के बुला सकता है। मैडम चली गई, मैडम से उसने पूछा, मैडम ऐसा क्या पढ़ लिया आपने एक साल में, लास्ट ईयर तक तो आपका कोई आईटीआर ही नहीं आता था। इसने बोला कि देखो मेरी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, जिस कंपनी से ये सैलरी आती है ना, जिस एंटिटी से ये सैलरी आती है वहां मेरा हस्बैंड ओनर है, ये मेरी यही क्वालिफिकेशन है, मैं उसकी वाइफ हूं, यही मेरा क्वालिफिकेशन है। बताइए वाकई में ये सैलरी इसकी मानी जाएगी या इंडिविजुअल की मानी जाएगी जिसने इनकम डाइवर्ट किया है? रियल में इनकम उसकी है। इसके लिए हम एक चैप्टर पढ़ेंगे, क्लबिंग ऑफ इनकम। कई बार कोई इनकम जाती किसी और के हाथ में लेकिन जोड़ किसके हाथ में दी जाएगी? मेरे हाथ। मान लीजिए कोरोना काल में एक बच्चे का मैसेज आया, बेटा बातचीत नहीं है, कोरोना काल में एक बच्चे का मैसेज आया कि सर मेरे पापा की जॉब चली गई, आप गढ़वाली मोहल्ला में जो आपका फ्लैट है उसका रेंट में 3-4 महीने उठा लूं, जब मेरे पापा की जॉब लग जाएगी तो मैं आपको वापस कर दूंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो मुझे एक बात बताइए, पैसा तो बच्चा लेके जा रहा है लेकिन प्रॉपर्टी किसके नाम पे है? मेरे नाम पे। वो इनकम किसके हाथ में जुड़नी चाहिए? मेरे हाथ में। एक चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, क्लबिंग ऑफ इनकम, चैप्टर नंबर 8। क्लब कभी सुना है? क्लबिंग, क्लबिंग का मतलब होता है जोड़ना, क्लबिंग ऑफ इनकम। अगर टैक्स बचाने के लिए कोई अपने इनकम को डाइवर्ट कर रहा है तो टैक्स पर्सन क्या करेगा, उस इनकम को ट्रांसफरर के हाथ में जोड़ देगा। बहुत ही छोटा चैप्टर है, एक क्लास का, छोटा था सेक्शन, 62-64 तक पढ़ना है, 4 सेक्शन है, बस बात खत्म। क्लब का मतलब जोड़ देना, आता है समझ में? कुछ चैप्टर जब तक पढ़ाऊंगा नहीं समझ में कैसे आएगा, सिर्फ मैं चैप्टर और थोड़ा सा इंट्रो दे रहा हूं आप लोगों को। चैप्टर 9, अभी थोड़े दिन के बाद तुम्हारे फाउंडेशन के रिजल्ट आएंगे, है ना? फाउंडेशन में 90% 95% तो मार्क्स नहीं आते हैं इन जनरल, अगर कोई एक्सेप्शनल हो तो आ जाए अलग बात है, मैं ये नहीं कहूंगा किसी के आ नहीं सकते। तो अपने पापा का रिएक्शन देखना, क्योंकि उनको तो 90 की आदत पड़ गई है, 10th में 90+, 12th में 90+, फाउंडेशन में बेटा तो यहां तो 60-70% भी बहुत है, तो उनको नहीं पता ना सीए क्या चीज है, यहां पे प्रोफेशनल एग्जाम है, वो एकेडमिक एग्जाम था, तो उनका रिएक्शन देखना। हो गया भाई, मतलब मेरे पापा दिल्ली पुलिस में थे, उनको नहीं पता सीएवीए क्या होता है। तो कितने आए, जितेंद्र से ज्यादा आए या कम आए? जितेंद्र मेरा पड़ोसी था, वो बीकॉम कर रहा है, मैं सीए कर रहा हूं, तो उसके बीकॉम में 79 आए, मेरे 79 आ जाएंगे, मैं इंडिया टॉप कर जाऊंगा। तो उन लोगों को कंपेयर करना है और फिर उनका रिएक्शन बड़ा खतरनाक होता है, तो उनको घर पे समझाते रहना, पापा ये सीए है ना, यहां नाम सुन के ही लोग परेशान हो जाते हैं, आप हम तो पास होके आ गए। तो याद रखिए, जब आप कोई काम करते हो ना तो उसमें प्रॉफिट होता है और प्रॉफिट के साथ लॉस भी हो सकता है ना? दुनिया में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ कि जिसको प्रॉफिट ही प्रॉफिट हुआ हो, हमें बिजनेस में कई बार लॉस भी होता है। तो बताइए क्या इनकम टैक्स हमेशा ये बोलेगा कि तुमने जो इनकम कमाया उस पर मैं टैक्स लगा दूंगा और लॉस जो तुम्हारा हुआ उसका कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा? ऐसा तो नहीं होगा ना, लॉस का एडजस्टमेंट भी होता है। मतलब मेरे दो बिजनेस हैं, बिजनेस ए बिजनेस बी, बिजनेस ए में 10 लाख का प्रॉफिट, बिजनेस बी में 5 लाख का लॉस, तो क्या मैं नेट कर दूं? बोलो ना हाँ यस। इनकम किसकी निकाल रहे हो? मेरी। मेरे दो वेंचर हैं, एक में लॉस एक में प्रॉफिट, क्या लॉस वाले को छोड़ दोगे या नेट करोगे? चैप्टर बताएगा, इसके लिए हमारे पास एक चैप्टर है। यहां पे हम कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं करेंगे। आप कहोगे ना सर मुझे ऐसा करना है, तो मैं आपसे पूछूंगा लॉ में कहां लिखा हुआ है? हमें हर चीज का लीगल बैकअप चाहिए, ठीक? हम लोग पढ़ेंगे सेट ऑफ ऑफ लॉसेस, सेट ऑफ ऑफ लॉसेस, कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ ऑफ लॉसेस। अगर मेरा लॉस इस ईयर में सेट ऑफ नहीं होगा तो मैं उसको अगले साल लेके जाऊंगा, अगले साल सेट ऑफ करूंगा, जिसको क्या बोलते हैं, कैरी फॉरवर्ड। दो क्लास सब में करेंगे, बस वहां नहीं करेंगे जहां इन्होंने मना कर रखा होगा। चैप्टर 10, कितने लोगों के फादर सैलरी क्लास है, जॉब करते हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं पैसे नहीं मांग रहा हूं, प्लीज, सैलरी क्लास, ठीक। मार्च में तुमने देखा होगा पेरेंट्स कुछ इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करते हैं टैक्स में छूट के लिए, नहीं कुछ पापा से बात बात नहीं कर तुम लोग। मार्च में हमेशा वो कहते होंगे घर के खर्चे थोड़े कम करो,
टैक्स बचाने के लिए मुझे कुछ इन्वेस्टमेंट करना है, एलआईसी की किस जानी है, पीपीएफ में पैसा लगाना है, एफडी, टैक्स बचाने के बड़े सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, हम लोग पढ़ेंगे यहां पे डिडक्शन, पूरा टैक्स का पेपर, पूरा टैक्स का पेपर प्रैक्टिकल है, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा हुआ है। डिडक्शन अंडर चैप्टर, बातचीत मत करिए प्लीज, मैंने कहा ना फाउंडेशन नहीं है ये, चैप्टर 6A लिख दो, इसको आगे बताऊंगा कैसे ये बना 6A, चैप्टर 6A, और अगर इसमें दिक्कत हो रही है तो सेक्शन 80C 280U ऐसे भी लिख सकते हो, चैप्टर 6A या सेक्शन 80C 280U, इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C से लेके 80U में कुछ स्कीम्स दी गई हैं, उसमें पैसे लगाओ टैक्स बचाओ, पैसे लगाओ टैक्स बचाओ, तो आपका क्लाइंट आपके पास आएगा तो ये पढ़ के जाओगे तभी तो उसका टैक्स बचाओगे। टैक्स लगाने की फीस मिलेगी या बचाने की या चुराने की? चुराने की प्रैक्टिस मत करना प्लीज, रिकॉर्डिंग चल रही है ठीक है ना, हम प्लानिंग करेंगे, हम इविजन नहीं करेंगे, हम प्लानिंग करेंगे इविजन नहीं करेंगे, हम प्रोफेशनल लोग हैं, हम आपको लीगल प्रोविजन के थ्रू टैक्स मिनिमाइज करेंगे, चोरी नहीं कराएंगे ठीक है ना। चल डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A 80C से लेके 80U, यहां पे कुछ स्कीम्स दी गई हैं, अगर आप यहां पैसे लगाओगे तो टैक्स में कितना छूट मिलेगा उसके प्रोविजन दिए गए हैं, ध्यान रहेगा। चलिए देखो 7 नंबर में कितना पढ़वा रहे हैं, चैप्टर नंबर 11, टीडीएस सुना है तुम लोगों ने? टीडीएस यस यस बोलो, हाँ अरे वाह सुना है ना, यहां पढ़ेंगे टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, तुमको पैसा दे दूंगा क्या पता तुम सरकार को टैक्स दो या ना, तो सरकार कहती है जहां इनकम का सोर्स है वहीं से थोड़ा ले लो, पढ़ेंगे हम लोग काफी डिटेल में, मजेदार टॉपिक्स हैं सारे, और एक साथ में चलता है टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, अभी इसके नंबर ऑफ लेक्चर्स बताता हूं, डिडक्शन 5 to 6 क्लासेस लगा लो, टीडीएस बड़ा लंबा चैप्टर हो गया आजकल, और पेपर आजकल 8 नंबर कहीं से पूछता है तो आराम से 4 से 5 क्लासेस, जब फाउंडेशन में आप लोग टॉपर्स में आए थे तो बैच खत्म करने के बाद फीस दी या शुरू में? शुरू में क्यों, शुरू में क्यों, तो मतलब कोई कुछ भी मांग लेते दोगे क्या कह रहे हैं? बुक भी नहीं देते? अच्छा एडवांस में फीस ले लेते हैं सारी या ऐसे इंस्टॉलमेंट बना के? अच्छा वो सोचते हैं ना बाद में कोई देना दे शुरू में ले लो है ना, अपना इनकम टैक्स भी ये कहता है एडवांस टैक्स, एडवांस टैक्स थोड़ा देखिए जैसे जैसे आप कमा रहे हो ना थोड़ा थोड़ा टैक्स देते रहा करो, बाद में इकट्ठा जब लाइबिलिटी आएगी ना तो एक साथ देने में बड़ी तकलीफ होगी, दिस इज द कॉन्सेप्ट पे एज यू अर्न स्कीम, पे एज यू अर्न, जैसे जैसे कमा रहे हो थोड़ा थोड़ा टैक्स देते रहा करो, नहीं तो बाद में मान लीजिए आप 50 लाख रुपया कमाते हो साल का, 50 लाख पे आपका 10.5 लाख रुपए का टैक्स आ जाएगा, अब सोच 10.5 लाख रुपए का टैक्स एक बार देने में तकलीफ नहीं होगी क्या? तो थोड़ा 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 एडवांस में देते रहा करो कि बाद में जब आपकी लाइबिलिटी बचेगी तो ज्यादा नहीं होगी, दिस इज द कॉन्सेप्ट। किनको क्या लॉस है? तो तुमको नुकसान होगा ना, गवर्नमेंट को क्या नुकसान है? ऐसे तो फिर तो कोई टैक्स दो ही मत ना, फिर तो इन्वेस्ट करोगे तो आएगा, ऐसे तो फिर कभी दोगे ही नहीं। चलिए एडवांस टैक्स 13 एंड लास्ट चैप्टर, रिटर्न ऑफ इनकम, सीए फाइनल में जब जाओगे तो
यहां का 13 चैप्टर वहां का फर्स्ट चैप्टर बन जाएगा। इससे आगे पढ़ोगे 100 नंबर का डीटी वहां पे भी तो है पूरा पेपर, और वहां का टीचर क्या बोलेगा कि बेटा जो इंटर में पढ़ के आए ना, मुझे लगता है कि आप अच्छे से पढ़ के आ गए होंगे, मैं आगे बढ़ाता हूं। तो अगर ये पेपर यहां थोड़ा वीक हो गया तो मान के चलिए फाइनल में भी वीक हो गया, क्योंकि इसी का फर्दर एक्सटेंशन है वहां पे। वहां रिटर्न ऑफ इनकम पहला चैप्टर होगा, असेसमेंट उसके बाद होगा, यहां से पढ़ना शुरू करोगे। चलिए रिटर्न ऑफ इनकम दो क्लासेस। अगर मैं आपको थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूं कि आप इन सारे क्लासेस को अपर साइड में जोड़ के देखो, अप्रोक्स 70 क्लासेस हो चुकी होंगी, 65 से 70 के बीच में। एक बार ऐड करके देखो प्लीज। लेकिन याद रखिएगा बेटा, यही पेपर है जो आपको कमा के देगा। बताइए जल्दी, अप्रोक्स 70 क्लासेस, अप्रोक्स 70। हाँ कोई नहीं यार, ठीक है, मुझे पता है 70 आ जाएंगे। 70 क्लासेस, 60 नंबर का सिलेबस इनकम टैक्स का और 70 क्लासेस, इतने में आपका पूरा कॉस्टिंग कंप्लीट हो जाएगा और अकाउंट्स कंप्लीट हो जाएगा। 54 क्लास, सुनिएगा प्लीज, 54 क्लासेस के अंदर अकाउंट्स खत्म होता है सीए इंटर फर्स्ट ग्रुप का, और 67 क्लासेस में कॉस्टिंग खत्म होता है, और टैक्स में सिर्फ डीटी खत्म हुआ 70 क्लास में। इसीलिए आपका टैक्स हम रेगुलर करा रहे हैं कि आगे जाके फर्स्ट ग्रुप का सिलेबस बैलेंस होके खत्म हो जाए, नहीं तो पता लगे सारे पेपर खत्म हो गए, टैक्स अभी चल ही रहा है। तो इसीलिए अभी हम लोग इसको रेगुलर कर देते हैं, लॉजिक बता रहा हूं रेगुलर करने का, ठीक। 70 क्लासेस, ये आपके डीटी का सिलेबस है। इसके लिए इंस्टीट्यूट आपको कुछ बुक देगा, हम लोग आपको किताब देंगे, उसके अलावा आप लोग कोई बुक रेफर मत करना। याद रखिएगा 9 महीने 8 महीने आपको पढ़ने को मिलता है, जितना अपने आप को फैलाओगे बाद में संभालने में उतनी दिक्कत होगी। स्टूडेंट बन के पढ़ते रहोगे हमेशा पास हो जाओगे, जिस दिन टीचर बनने की कोशिश करते हो फेल का पहला कदम वही होता है। या तो कोचिंग ज्वाइन मत करें, और ज्वाइन करें तो कोचिंग वाले को अपना काम करने दें, आप अपना पढ़ाई करें जो ऐसा वो बता रहा है आपको, कोई भी कोचिंग सेंटर हो, मैं नहीं कह रहा हूं टॉपर्स, कोई भी कोचिंग सेंटर हो। तो बिल्कुल मार्केट से, अगर पापा आपके कॉमर्स प्रोफेशनल है और वो बोल रहे हैं गिरीश आहूजा सर की किताब ले लो, सिंघानिया सर की किताब ले लो, प्लीज कोई किताब परचेज करने की जरूरत नहीं है। गिरीश आहूजा सिंघानिया इस किताब के अंदर बंद है, उस किताब के जितने अच्छे क्वेश्चन जो आपके लिए जरूरी है इस किताब के अंदर दिए गए हैं, आप चिंता ना करें, वो काम हमने आपके लिए कर दिया है। तो कोई मार्केट से रेफरेंस बुक लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ आईसीआई और जिस कोचिंग सेंटर में आप पढ़ रहे हो, टॉपर्स में पढ़ रहे हो, उसका बुक आपके पास होना चाहिए, मोर देन एनफ है। इंटर का एग्जाम कोई इतना बड़ा एग्जाम नहीं कि आपके लिए बहुत आरएनडी करने की जरूरत है, हमारे लिए हम लोगों के लेवल से एक बहुत ही लो ग्रेड का एग्जाम है। लेकिन दिक्कत कब आती है, जब हम टीचर बनना शुरू कर देते हैं एज ए स्टूडेंट, वो नहीं होना चाहिए। चलिए, जो हम 15 अगस्त 20 अगस्त तक खत्म करेंगे उस पोर्शन का नाम है जीएसटी, और उसमें हमें 11-12 चैप्टर पढ़ने, लेकिन वहां पे जो चैप्टर्स होंगे ना वो छोटे छोटे होंगे, तो इसके लिए अभी कॉपी ना खरीदे। लेकिन अगर मान लीजिए पापा कहते हैं कि इकट्ठा बता दो कॉपी, इकट्ठे खरीद के लेके आता हूं, तो 400-500 पेज की एक कॉपी तो पक्का खरीद लीजिए इनकम टैक्स के लिए। क्या है ये, चलिए मानोगे नहीं तुम लोग ना बिना बात बात करे, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी, जीएसटी जो 40 नंबर का अपना पोर्शन है। चलिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन प्लस कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लाइबिलिटी 6 to 7 क्लासेस, बहुत आराम से पढ़ेंगे क्योंकि अभी हम लोग अर्ली बर्ड में पढ़ रहे हैं, तो हमारे ऊपर सिलेबस खत्म करने का प्रेशर नहीं है। अभी देखो जो बच्चे अभी जाएंगे ना 31 तारीख, अभी जो जिनका बैच अभी 31 को खत्म हो जाएगा, वहां भी जीएसटी चल रहा है, तो
तो अभी उन बच्चों का क्या है कि पैकअप करा दो सर, पैकअप करा दो, आपके लिए वो प्रेशर नहीं रहेगा क्योंकि आप शुरू से पढ़ रहे हो। तो यहां अगर दो चार क्लास एक्स्ट्रा भी लग गई तो उससे कोई इशू नहीं होता है। तो आराम से छह से क्या कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लाइबिलिटी, इंट्रोडक्शन प्लस कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लाइबिलिटी, छह से सात क्लास में हम लोग यहां टाइम लगाएंगे। दूसरा, कोई भी टैक्स, सुनेगा ध्यान से, बातचीत नहीं, कोई भी टैक्स, अच्छा चार बज रहे इसलिए आवाज आनी शुरू हो गई, भरत ये घड़ी उतार देना कल से यहां से। एक चीज बताओ, चलो कभी आप खाना खाते हो तो घड़ी देख के खाते हो? नहीं, अरे वादे हो, क्या कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल नहीं सर, क्या बात कर रही हो, कभी भी घड़ी देख के नहीं खाते, लेकिन जो काम करने के लिए हमें बनाया गया है उसी काम के लिए हम घड़ी देखते हैं। कितना बड़ा आयरनी है यार, मतलब जिसके लिए हमें घड़ी नहीं देखना उसके लिए फिर हम कहते हैं हमारी किस्मत ही खराब थी। सर ये खराब किसने की, हमने की, उस क्या घड़ी दे, घर जाके क्या करोगे बताओ, कुछ भी नहीं, टोटली वेस्टेज ऑफ टाइम होना है। अब यही क्लास किसी को 1,00,000 रुपए फीस में दी जाती है ना भाई, 1,00,000 रुपए की फीस दी है। इंट्रोडक्शन एंड कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लाइबिलिटी हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। दूसरा बताइए, हिंदुस्तान में जितने भी टैक्सेस हैं ना वो किसी ना किसी इवेंट पे लगते हैं। अगर कोई इवेंट नहीं परफॉर्म हुआ तो वो टैक्स नहीं लगेगा। बताइए, आप इस इंटर के क्लास में बैठे हो, बोलो, जरूर किसी इवेंट को परफॉर्म किया होगा, बताओ कौन से इवेंट को परफॉर्म किया, फाउंडेशन का एग्जाम दिया, वैसे ही टैक्स होता है। बताइए, कमाने का पाप किया तो इनकम टैक्स, बनाने का पाप किया तो एक्साइज ड्यूटी, बेचने का पाप किया तो जीएसटी। मतलब जितने भी इवेंट होते हैं उस इवेंट के परफॉर्म होने के बाद ही कोई टैक्स आपके ऊपर लगता है और उसको मैं बोलता हूं पाप। जीएसटी के लिए जो पाप है ना वह है सप्लाई। अगर सप्लाई का पाप किया है, पढ़ेंगे हम लोग सप्लाई का मतलब क्या होता है, बताइए सप्लाई सब कैसे याद करेंगे सेक्शन, सप्लाई सप्लाई, जैसे सप्लाई बोलते हो कौन सा न्यूमेरिक नंबर दिमाग में आता है, जो बोलोगे वही वही सेक्शन है। बताओ जब आप सप्लाई बोलते हो कौन सा न्यूमेरिक नंबर आता है, सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 7 में सप्लाई डिफाइन है, याद हो गया जिंदगी भर के लिए, नहीं रटने की जरूरत है, याद हो गया, ऐसे ही याद हो जाएगा सब, चिंता नहीं करो। चलिए सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ सप्लाई। सप्लाई का मतलब यार प्लीज बातचीत, ओह बस तुम्हारी मेरी दुश्मनी सिर्फ इसी बात पे चलेगी कि आवाज नहीं करना प्लीज, मुझे मेरे को मेरे काम में रम जाने दो, डिस्टर्ब मत करो, 2 घंटे की तो बात है यार बस। चलिए कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई, कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई, जीएसटी किस पे लगेगा, सप्लाई पे। सप्लाई क्या होता है ये चैप्टर बताएगा आपको, सप्लाई को कहां डिफाइन किया गया मैंने कुछ नहीं बताया, जिंदगी भर याद रहेगा, एक्ट बताऊंगा सब कुछ बताऊंगा, ऐसे ही कुछ लॉजिक हमने लगा रखे हैं, कुछ लॉ मेकर ने लगा रखे हैं, कुछ आप लगाओगे सब याद हो जाएगा। आप पहली बार इंटर को पढ़ रहे हो ना यार, हम थोड़ी पढ़ा रहे हैं पहली बार। चलो कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे हम लोग 2 से 3 क्लासेस के अंदर। क्यों पढ़ोगे सप्लाई, क्यों पढ़ोगे सप्लाई, यही तो इवेंट है जिसपे जीएसटी लगता है, नो सप्लाई नो जीएसटी, जहां सप्लाई होगा वहां जीएसटी होगा। तो सप्लाई का मतलब क्या है वो यहां पढ़ेंगे हम लोग, सेल एक्सचेंज बार्टल डिस्पोजल लीज सब सप्लाई है। चलिए थर्ड बताइए, फाउंडेशन में लॉ पढ़ के आए हो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का चार्जिंग सेक्शन बताओ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का चार्जिंग सेक्शन। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का चार्जिंग सेक्शन बताओ, आप ये मत बोल देना पढ़ा नहीं है, पेपर दे के आ रहे हो करो पढ़ा नहीं है। चलो कोई बात नहीं, ठीक 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 ठीक, सुनो सुनिए ध्यान से बातचीत प्लीज सुनो, जब आपके टीचर ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाया था सबसे पहले कौन से सेक्शन का रेफरेंस दिया था, दिस इज कॉल्ड चार्जिंग सेक्शन, वो सेक्शन जो पूरे एक्ट को चार्ज करता है दैट इज कॉल्ड चार्जिंग सेक्शन। वो एक्ट डिसाइड कर देगा कि पूरा एक्ट तुम्हारे ऊपर अप्लाई है या नहीं है।
तो जो सेक्शन एप्लीकेबिलिटी सेट करता है उसी को टैक्स में क्या बोलते हैं, चार्जिंग सेक्शन। ठीक है, क्या बोला था उसने, एग्रीमेंट प्लस इनफोर्सिबिलिटी है ना। हाँ नहीं यार, ये तो था टू क्लॉजेज है ना, एग्रीमेंट प्लस। हाँ चलिए, तो वैसे ही जितने भी एक्ट होते हैं ना उनका एक चार्जिंग सेक्शन होगा जो बताएगा कि ये एक्ट आपके ऊपर चार्ज कब होगा। अगर आप अपने आप को वहां से बचा सकते हो तो उस चार्जिंग सेक्शन से अपने आप को बाहर कर लो, अगर बाहर हो गए तो मोदी और अमित शाह की औकात नहीं की पकड़ ले। अगर मैं किसी पर्टिकुलर एक्ट में कवर हूं तो किसी की हैसियत नहीं कि मुझे बचा ले, और अगर मैं वहां से निकल गया तो किसी की हैसियत नहीं कि मुझे पकड़ ले। दैट इज कॉल्ड एप्लीकेबिलिटी। यही तो था हमारा टू क्लॉजेज, एग्रीमेंट इनफोर्सेबल अंडर द लॉ। लेकिन अगर मान लो हमने कोई किसी के साथ एक्टिविटी की और वो एग्रीमेंट के डेफिनेशन से बाहर है, या अगर एग्रीमेंट है और इनफोर्सेबल अंडर द लॉ नहीं है, तो बताइए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 मेरे ऊपर अप्लाई होगा क्या? बोल यस, नहीं होगा ना। क्या कोई पकड़ के कर सकता है? नहीं, एक्ट में कवर ही नहीं हूं मैं। तो वैसे ही जितने एक्ट पढ़ोगे आप हिंदुस्तान में, खासकर टैक्स की बात करें हम लोग, सबके चार्जिंग सेक्शन है जो आपको बताएंगे कि ये पर्टिकुलर एक्ट आपके ऊपर चार्ज कब होगा। उसके लिए हमारे पास चैप्टर थर्ड है जीएसटी में, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी। लेवी का मतलब होता है चार्ज, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी। दो से तीन क्लासेस यहां पे लगेंगी, नहीं तीन से चार कर लो, सॉरी 3-4 क्लासेस लगेंगी, क्योंकि यहां रिवर्स चार्ज भी आ जाएगा। 3-4 क्लासेस लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी। फोर्थ, अभी टीवी देखते हो तुम लोग थोड़ा बहुत घर पे? अभी जीएसटी को लेके बड़े सारे न्यूज आ रहे हैं कि 12% वाला 18 में कर दिया, 18 वाले कुछ 28 में कर दिए, कुछ स्लैब चेंज कर दिया उन्होंने, ऐसा कुछ सुना ना आप लोगों ने? चलिए, जितनी चीजें, जितने गुड्स और सर्विसेज हम लोग परचेज करते हैं उन सबके ऊपर जीएसटी नहीं होता। कुछ गुड्स और सर्विसेज अभी भी जीएसटी से बाहर हैं। आपका इंस्टीट्यूट कहता है कि जब इन नन्हे नन्हे बालक को आर्टिकल शिप में भेजो तो इनको यह लिस्ट पता होना चाहिए कि कौन कौन से गुड्स और सर्विसेज ऐसे हैं जिनके ऊपर जीएसटी नहीं होता। डरना नहीं, 70-80 सर्विसेज है जिनके ऊपर जीएसटी नहीं होता, वो हमें पढ़ना है। और इंस्टीट्यूट ने 5 और 6 ऐसे गुड्स होते हैं कैटेगरी जिसके ऊपर जीएसटी नहीं है, कैटेगरी बना रखी है, वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। मतलब जो छोटा है ना उसको सिलेबस से बाहर कर दिया, और जो बड़ा है सर्विसेज वाला वो पढ़ने के लिए बोल दिया। कोई नहीं यार, अच्छा है ना। मैंने क्या बोला आपको, रिस्क इस बात का नहीं होना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूं वो टफ है, रिस्क इस बात का होना चाहिए कि मैंने कोई इजी कोर्स तो नहीं चुन लिया, ये होना चाहिए। ये नहीं कि मैंने कोई मुश्किल चुना है, मुश्किल अरे आईएएस कर रहा हूं काहे का रिस्क है भाई साहब, टॉप क्लास एग्जाम चुना है मैंने, कहीं बीकॉम तो नहीं चुन लिया उसके बदले में, तो वो नहीं, वो रिस्क नहीं है। फोर्थ देखो, एग्जेम्पशन, एग्जेम्पशन फ्रॉम जीएसटी। एग्जेम्पशन का मतलब छूट। कुछ ऐसे गुड्स और सर्विसेज होंगे जिसके ऊपर जीएसटी नहीं है, यह हमें पढ़ना है, आ जाएगा समझ में, मजेदार टॉपिक है। और जीएसटी तो मैं तुमसे कसम खिलवाऊंगा कि घर जाके पढ़ना ही नहीं है, इसको विजुलाइज करना है। आप जब यहां से बाहर निकलोगे आपकी पूरी जिंदगी गुड्स और सर्विसेज के घेरे में है। आज के बाद जो भी हम पढ़ेंगे, आगे जाएंगे, कोई गुड्स देखोगे सीधा जीएसटी दिमाग में आना चाहिए, जैसी कोई सर्विस देखोगे जीएसटी दिमाग में आना चाहिए, अपने आप रिवाइज होता जाएगा। पढ़ा वो जाता है जो हम विजुलाइज नहीं कर सकते, तो पूरा टेक्स्ट विजुलाइज करने वाला है। कॉपी खरीदने जाओ गुड्स है, टॉपर्स की सर्विस लेने आए सर्विस है, बस वहीं पे रिवाइज करते चलो। दुनिया कहेगी पागल है, अच्छी बात है, पागलों ने ही तो इतिहास लिखा है, जो समझदार है उन्होंने तो नौकरी की है बस। प्लीज तो ये मत सोचे पढ़ते रहिए। आज आप आए थे ना कोचिंग में, बहुत सारे बच्चों ने कहा अबे पहला दिन है क्यों जा रहे है? सर ये वही 99% लोग हैं जो 1% लीडर को परेशान करते हैं, और ये बाहर से नहीं होंगे, आपके घर वाले होंगे, आपके रिश्तेदार होंगे, आपके पड़ोसी होंगे, इनसे बच के रहो। एग्जेम्पशन फ्रॉम जीएसटी 5 से 6 क्लासेस, थोड़ा ज्यादा है, टाइम लगाएगा। चलिए पांचवा, टाइम ऑफ सप्लाई। इसके बारे में कुछ नहीं बता पाऊंगा, पढ़ाऊंगा तभी पता लगेगा आपको टाइम ऑफ सप्लाई, क्योंकि आपका भी टाइम हो रहा है। हाँ, टाइम ऑफ सप्लाई। चलिए, आज आप हाथ में जीएसटी की किताब लेके आ रहे थे, अच्छी किताब बनी है, आपको पढ़ने में मजा आएगा। कहीं गलती से उस पे
मई और नवंबर 22 लिख दिया तो परेशान हो गए कि मेरे लिए नहीं है, वो सब बताऊंगा मैं आपको, कितना चेंज होगा, क्या होगा, आगे मैं किताब बदल दूंगा, क्या करूंगा, सब बताऊंगा यार। आप बस इतना सोचना जिंदगी में हमेशा कि आप अपने करियर के लिए पॉजिटिव होना, तो क्या टीचर अपने लिए पॉजिटिव नहीं है? और जब दोनों पॉजिटिव है तो बेईमानी तो हो ही नहीं सकती, दोनों हैं, और हमारा तो 25 साल का इतिहास है, तो हम दोनों अपने अपने करियर के लिए पॉजिटिव हैं, जैसे आप हो वैसे ही हम लोग हैं, ठीक। कोई एक दिन की खुली हुई दुकान थोड़ी ना है कि धोखा देके भाग जाएगी आपको। टाइम ऑफ सप्लाई बताइए, तो आप मान लो आज मेट्रो में बैठे किताब लेके, टॉपर्स वाली किताब जीएसटी की, दो चार और बच्चे आ गए टॉपर्स में, टॉपर्स के उसी मेट्रो में, जैसे टॉपर्स देखा दोस्ती हो गई, कुछ दिन के बाद दोस्ती एक कदम आगे बढ़ी, अपने आप समझते रहना जो मर्जी है ना, है ना, उसके अपने आप खुश हो रहे हैं, देखो गुब्बारे टूटने लगे, उसके एक दिन बाद और दोस्ती बढ़ गई। अब तो ऐसा हो गया कि एक दिन तुम नहीं आए तो सामने वाले ने कहा ये गलत है, पता है पूरा दिन मेरा क्लास में मन नहीं लगा मुझे, नहीं मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, बताइए। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि वो कौन सा हादसा था, वो कौन सा इवेंट था कि आज ये लड़ाई पे कन्वर्ट हो गया, किसी ने तुम्हारे ऊपर अपना हक जमा दिया और तुम्हें पता ही नहीं लगा, वो कौन सा मोमेंट था? कोई तो ऐसा मोमेंट होगा ना जब हम इतना दूसरे के ऊपर हक जमाने लग गए, यस और नो बताइए। मैं कोई चीज सप्लाई करता हूं, मान ली बिजनेस सप्लाई की बात करो, रिटेल की बात मत करो, मुझे मान लो 1000 कैलकुलेटर चाहिए अपने ऑफिस के लिए, 1000 कैलकुलेटर चाहिए, बताइए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, कोटेशन मंगवाऊंगा लोगों से, सप्लायर से कोटेशन मंगवाऊंगा, कोटेशन जिसका सही होगा उसको मैं परचेज ऑर्डर दूंगा, यही होता है ना, कुछ सुना है ऐसा कुछ तुम लोगों ने? सबसे पहले मैं कोटेशन मंगवाऊंगा, परचेज ऑर्डर दूंगा, एडवांस दूंगा, फिर वो डिलीवरी देगा, फिर मैं पेमेंट करूंगा। बताइए इसमें से कौन से इवेंट को सप्लाई माना जाए जिसके ऊपर जीएसटी लगा दिया जाए, ये चैप्टर बताएगा कि कौन से इवेंट को हम सप्लाई मान लें कि जीएसटी लग जाए, क्योंकि एक ट्रांजेक्शन के बड़े सारे इवेंट होते हैं। आप सप्लायर आइडेंटिफाई करते हो, उससे कोटेशन मांगते हो, परचेज ऑर्डर देते हो, एडवांस देते हो, वो सैंपल दिखाता है, सारा गुड्स रिसीव करते हो, फिर पेमेंट करते हो, बताओ किस पॉइंट को मैं सप्लाई मानूं, इतने सारे इवेंट्स हैं। ये चैप्टर उस लड़ाई को खत्म कर देगा कि हम कौन से इवेंट को क्या मानेंगे, सप्लाई। आता है समझ में? चलिए तो हम लोग यहां पर पढ़ेंगे दो क्लास के अंदर, टाइम ऑफ सप्लाई। सिक्स, किस वैल्यू पे, बताइए जब आप कभी पिज्जा विज्जा खाने जाते हो तो एक अमाउंट होता है ना जिसके ऊपर जीएसटी लगा होता है, जिसको टैक्सेबल वैल्यू कहा जाता है, जिस वैल्यू पे जीएसटी का रेट अप्लाई हो जाता है, वो वैल्यू क्या होगी? अगर बहुत सारे सप्लायर हैं वो वैल्यू अपने अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, इसके लिए लॉ मेकर ने बताया कि जिस अमाउंट के ऊपर जीएसटी लगेगा वो हम बताएंगे। एक चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग वैल्यू ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई दो क्लासेस के अंदर। ठीक है, कभी तुम लोगों ने इनपुट टैक्स क्रेडिट का नाम सुना है? इनपुट टैक्स क्रेडिट का नाम सुना है? चलो सुनते तो तुम सब लोग हो, यहां पढ़ेंगे, लेकिन इसके बारे में मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, टाइम सजेस्ट नहीं कर रहा है। इनपुट टैक्स क्रेडिट रियल में जीएसटी का यही सब कुछ है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, अभी नहीं छेड़ेंगे इसको, आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, 3-4 क्लासेस, बातचीत नहीं प्लीज। इनपुट टैक्स क्रेडिट, और कल से कोशिश करना जो आपका दोस्त जिसके साथ आप बैठ रहे हो उसका मत, दो घंटे तो दो मुझे, दो घंटे के लिए आप अपने दोस्त बन जाओ, यकीन मानो 30-35 क्लास के अंदर 40 नंबर का सिलेबस आपके टिप्स पे आ जाएगा। चलिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट, उसके बाद रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। किसी के पास कोई इनवाइस से अभी कुछ परचेज वर्चेज किया हो, गलती से बैग या पर्स में पड़ा हो, किसी ने अभी कोई रिसेंटली परचेज किया हो, देखो उस पर जीएसटी आईएन नंबर होगा एक 15 डिजिट का, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, मतलब वो सप्लायर जीएसटी में रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होता है
ये सारा हम लोग यहां पे पढ़ेंगे, रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। देखो दो क्लास हमने शुरू की, आज हमने दो क्लास शुरू की, कुछ लोगों के चेहरे पे ना हवाइयां दो क्लास में, सोचो तीन हो जाता तो क्या होता। धीरे धीरे कर लेंगे, जोड़ लेंगे, चिंता नहीं करो। हाँ, दो से तीन क्लासेस, और यहां पे आपको रियल लाइफ में रजिस्ट्रेशन करना सिखवाऊंगा पोर्टल ओपन करा के। कुछ काम तो मैं सिखा सकता हूं जो आप यहां से सीख सकते हो या देख सकते हो, क्योंकि प्रैक्टिकल पेपर है, आपको समझ में आएगा यहां से, ठीक है। चलिए, और जो अच्छे नंबर लेके आएगा उसको ऑफिस में ले जाके सिखा दूंगा। जो अच्छे नंबर टेस्ट में लेके आएगा, देखिए हर संडे को इंटर का टेस्ट होता है, अभी तो अर्ली बर्ड चल रहा है, पता नहीं रखे ना रखे, बट जब आप मेन बैच में आ जाते हो तो हर संडे हम लोग टेस्ट का रखते हैं, मतलब हफ्ते में आपका एक टेस्ट होगा, और जब सिलेबस खत्म हो जाता है तो दो दो तीन तीन सीरीज चलते हैं टेस्ट के। तो जो यहां पे जो टेस्ट होता है इंटर में वो रिवार्डेबल होता है। अगर किसी के टेस्ट में अच्छे नंबर आ गए, और रिसेंट टाइम पे मेरी कोई आईटीएटी में हियरिंग है, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में, तो मैं बच्चों को, तीन चार बच्चों को हियरिंग में भी लेके चला जाता हूं, चलो हियरिंग देख के आओ इनकम टैक्स की हियरिंग कैसे होती है, ठीक है ना। तो सब कुछ रिवार्डेबल है। किसी टेस्ट में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का विजिट करा दिया, किसी आईआरएस ऑफिसर से मिलवा दिया आपको, 24 साल 25 साल का आईआरएस ऑफिसर जिसकी शादी भी नहीं हुई, देखो कैसे दिल्ली के सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट को कंट्रोल कर रहा है, तो थोड़ा अच्छा लगता है प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, ठीक। लेकिन वो सब कुछ डिपेंड होगा टेस्ट के बेसिस पे। 9 नंबर देखो, टैक्स इनवाइस, डेबिट नोट, सुना है कभी डेबिट नोट? सुना है कि समझते भी हो? सुना है ना, यहां समझेंगे। चलिए पढ़ लेंगे। क्रेडिट नोट, ईवे बिल सुना है? हाँ, सब यहां पढ़ना है, ईवे बिल, ई इनवाइसिंग, जितने जीएसटी में डॉक्यूमेंटेशन होता है सब हम यहां पढ़ेंगे 4 से 5 क्लास में। ई इनवाइसिंग 10 नंबर, पेमेंट ऑफ जीएसटी एक क्लास, जीएसटी रिटर्न थ्री क्लासेस, जरा एक बार बताइएगा जोड़ के, थोड़ा थोड़ा मैंने बढ़ा दिया क्योंकि हमारे पास पूरा टाइम है, तो आराम से 32 क्लासेस तब होती है जब ढाई ढाई घंटे की क्लास हम लोग कर लेते हैं, लेकिन दो का करेंगे थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो अप्रोक्स 35 क्लासेस के अंदर आपका जीएसटी पैकअप हो जाएगा, ठीक। तो ये आपके सिलेबस है, जो फर्स्ट ग्रुप में जो टैक्स का पेपर है वो दो पोर्शन में डिवाइड है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में सिर्फ हमें क्या पढ़ना है, इनकम टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स में पढ़ना है जीएसटी, 40 मार्क्स का जीएसटी, 60 मार्क्स का इनकम टैक्स। पहले हम लोग अर्ली बर्ड में जीएसटी करेंगे, जीएसटी खत्म हो जाएगा तब तक आपका रिजल्ट आ चुका होगा, उसके बाद हम लोग इनकम टैक्स, क्योंकि वो लंबा मैराथन है, वो लंबा चलेगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग कल, और पहले टैक्स कैलकुलेशन सिखा दूंगा, उसके बाद फिर जीएसटी, ठीक है। किसी को कुछ भी पूछना हो, कुछ भी डिस्कस करना हो, मैं यहीं पे या नीचे मिलूंगा, आप लोग डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।